हेलो एंड गुड इवनिंग माय आर्मी। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी जेई ब्लास्टर सीरीज में, जिसमें आज होने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ जैसे कि बच्चे पूछते हैं, If you are doing these questions, then yes, you are very well prepared for complex numbers, क्योंकि इसके अंदर मैंने खुद हैंडपिक किए हैं आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आपके एनटी अभ्यास के क्वेश्चंस एंड फ्यू सेंगेज बुक क्वेश्चंस एज वेल। सो मेजॉरिटी वी ट्राई एंड डू इन द क्लास इटसेल्फ, लेकिन हाँ बाकी के एज क्वेश्चन बैंक आर शेयर्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो यहाँ पे आ जाओ tinyurl.com/jee with नेहा मैम, जिसका लिंक पिंड है और मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आपको जेई टॉप 50 ब्लास्टर सीरीज का भी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। प्लस अगर आप फोकस्ड PYQs जैसे 2022 के करना चाहते हो, चैप्टर वाइज 2021 के करना चाहते हो एंड इवन ओल्डर, यू विल फाइंड चैप्टर वाइज वीडियोज हियर अलॉन्ग विद देयर PDFs। ठीक है, चलिए जी फटाफट से, ये है हमारा शेड्यूल जो हम फॉलो कर रहे हैं फॉर द टॉप 50 जेई ब्लास्टर सीरीज। ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं डन एंड एज यू गाइस कैन सी एक अप्रॉक्सीमेट वेटेज, अब ये मैंने कैसे डिसाइड किया है, फॉर द लास्ट 3 साल के जो 64 जेई मेन्स के पेपर्स हुए हैं, बेसिस दैट वी हैव कम अप विद दिस एनालिसिस। तो आज है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जहां से हम ऑन एन एवरेज एक सवाल तो एक्सपेक्ट करते ही करते हैं। एक बार फटाफट से लेट्स ब्लास्ट की एक्सप्लोजन हो जाए इन द चैट सेक्शन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन माय आर्मी, यस यस यस, सुपर्ब सुपर्ब। तो भैया हम भी बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन यार जितने बच्चे लाइव पहुंच चुके हैं फटाफट से पहले उतने लाइक कर दो, है ना। इतना तो हक बनता है बॉस, जब इतनी दिन रात मेहनत हो रही है तुम्हारे लिए। चलो सो जैसे कि नियम है इस सीरीज का, हम लोग सबसे पहले आपके हैंड रिटन नोट्स के साथ थोड़ी सी एक क्विक सी रिवीजन करते हैं एंड उसके बाद ऑफ कोर्स वी मूव ऑन टू सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो हैं रेडी? चलो सुपर्ब सुपर्ब। तो ठीक है, क्योंकि ये बड़ी क्विक सी रिवीजन है तो आ जाओ। एंड वन मोर थिंग, ये जो नोट्स हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो में ही अवेलेबल हो जाएंगे वंस दिस सेशन एंड्स। वैसे आप किसी भी चैप्टर के आपने सिर्फ यूट्यूब पर जाकर आप सिर्फ इतना भी डाल दोगे कि जेई नेहा हैंड रिटन नोट्स, जिस भी चैप्टर के नाम के साथ लेट्स से इंटीग्रेशन, वो वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, चलो हम सबको इतना तो पता है कि a प्लस आयोटा बी फॉर्म जो आपकी कहलाती है, दैट इज द स्टैंडर्ड और द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जहां a को रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बुलाते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट, a b रियल नंबर्स हैं। करेक्ट? ओके, हैविंग सेड दैट आई गेस ये आयोटा की तो बेटा सबको पता है आयोटा के बारे में। यही तो वो फसाद की जड़ है जहां से पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ, हाँ कि नहीं, है ना। चलो सुपर्ब, हैविंग डन दैट, अब कुछ रिजल्ट आई गेस ये वाला मेजॉरिटी जनता को पता होगा, रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए बी। ऐसा आज तक तो ट्रू होता था, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन अप्लाई रहती है जो एक हिडन चीज है, यानी कि जब एटलीस्ट वन ऑफ ए या बी इज ईदर पॉजिटिव और जीरो, यानी कि अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो ये चीज होल्ड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दोनों लिया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, 2 रूट 2 आयोटा एंड ये हो जाएगा आपका रूट 3 आयोटा। ठीक है जी, यानी कि रूट 6 आयोटा स्क्वायर जो हुआ आपका -√6 एंड इसको अगर मैं साथ में ला लूँ तो -2 × -3, हो ये रूट 6 है, ये ऑफकोर्स अनइक्वल है। आई गेस ये बच्चों को चमक रही है चीज़, चमक गई कि नहीं, है ना। सुपर्ब, तो यानी कि बेसिस दैट ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यस चलो ग्रेट, तो आगे बढ़ जाते हैं वेरी क्विकली। ओके अब आया एक इम्पॉर्टेंट वाली चीज, तो जरा ध्यान से सुन लो, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, इसके बेसिस पर भी डायरेक्ट सवाल आते हैं। वैसे आज के सेशन में अगर मैं आपको एक बारी क्विकली बताऊं तो यार ये मेजॉरिटी चीज़ें हैं जिसके अंदर मैंने ब्रेक किया है पूरे चैप्टर को, जहां से तुम्हारे सवाल पूछे जाने वाले हैं। कूल, सो एज यू कैन सी पावर ऑफ आयोटा एक दमदार कॉन्सेप्ट है जहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो। कूल, सो चलो बढ़ जाते हैं आगे। चलो भाई आगे बढ़ो। या ओके, आ जाओ अब यहाँ पे। सो हैविंग सेड दैट, ये तो हमको पता है यार, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1. इसके बाद तुम्हारा आता है आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब, आयोटा रेज टू पावर 4. अब आयोटा रेज टू पावर 4 1 है, अगर ये मुझे पता चल गया तो यानी मैं किसी भी इंटीग्रल पावर की बड़े आराम से निकाल सकती हूँ क्या, आपकी बड़े आराम से वैल्यू निकाल सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ये पता है, ये बहुत दमदार चीज़ है मेरे लिए, आयोटा रेज टू पावर 4 1 होता है, करेक्ट. तो यहाँ पर अगर आप देखो, लेट्स से आयोटा रेज टू पावर 2022 हमने बोला, ओके, चलिए 23 का पेपर देने वाले हो, ये लो, राइट अब आपने क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है. अब उसके लिए पूरा नंबर थोड़ा ना हमें डिवाइड करना होता है, हमें सिर्फ फोकस इस पर करना होता है ना. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2020 तो 4 का मल्टीपल है, यानी मेरे पास आयोटा क्यूब बच जाएगा. एंड कमान कमान कमान, जल्दी जल्दी, अरे क्या बात है, बिल्कुल सही, माइनस आयोटा तुमने लिख दिया है, सुपर्ब. ठीक है जी, चलिए इसी तरह से मैं अगर और भी कुछ ले लूँ, लेट्स से आयोटा रेज टू पावर 7910, ऐसे ले लूँ, 79103, कुछ भी, मतलब कुछ भी ले लिया है हमने. यहाँ पे क्या करोगे, फिर से आप आखिरी 2 डिजिट्स को देखोगे, है ना, तो क्या बच रहा है, यहाँ से फिर से आयोटा क्यूब दिख रहा है, करेक्ट. तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है ना सर, बिल्कुल. लास्ट 4 डिजिट्स हमने देखने हैं और आंसर आयोटा क्यूब बचेगा, ये भी माइनस आयोटा है ना. ये तो आपका हो गया पॉजिटिव पावर्स के साथ. अब नेगेटिव के साथ मैं यही कहूँ, मैं बोलूँ ये बता दो मुझे, एक बात याद रखो यार, a प्लस आयोटा b अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो भैया हमें एलर्जी है किससे, आयोटा के डिनोमिनेटर में होने से, वो हमें नहीं चलता. यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ही करके सॉल्व करूँ तो देखो, अभी हमने किया था ये क्या आ गया था, -1 बाय आयोटा. अभी एलर्जी स्टार्ट हो गई है क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, तो क्या करें, क्या करें, इसको आयोटा 4 1 होता है, आयोटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आप सीधा रैशनलाइज ही कर दो सर, और भी जल्दी, करेक्ट. तो ये आपका आंसर आयोटा आ जाएगा. बस आपने नेगेटिव इंटीजर्स के टाइम पे इतना ध्यान रखना है. यस, इजी पीजी, बहुत ही ज्यादा. चलिए जी, फिर बढ़ जाते हैं आगे. ओके, अब ये कुछ 2 रिजल्ट्स हैं यार जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप चाहो तो इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ऑफकोर्स प्रूव तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन ये तो आपकी क्विक वाली रिवीजन हो रही है. तो देख लो, सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा हमेशा 0 ही देगा, कहीं से भी. यस, तो आप जैसे कोई भी कंसेक्यूटिव आपने ले लिए, है ना, आयोटा 7, आयोटा 8, आयोटा 9, आयोटा 10, आपने ऐड करना है, आपको 0 ही मिलना है, चाहे तो ट्राई करके देख लो, राइट उसी तरह से अगर मैंने प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट लिया, कितने का, 4 का, तो उस केस में मुझे -1 ही मिलना है. इजी, चलो. एंड जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि भैया वी आर एलर्जिक टू आयोटा इन द डिनोमिनेटर, तो जैसे ही आयोटा दिखे, एंड ये आगे आप अभी क्वेश्चंस में भी देखोगे, रैशनलाइज कर डालो. समझ में आ रहा है? यस. अब आते हैं यार अपनी रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हो भाई साहब, राइट ये कैसे डिनोट करते हो? तो सिंपल सी बात है, एक रियल और इमेजिनरी एक्सिस अगर दे रखी है हमें, तो अब इसके अंदर क्या होगा, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, राइट. तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स एंड यहाँ पे वाई, ओके. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, रियल को यार आप एक्स एक्सिस आपकी एक तरह से होती है और जो आपकी वाई एक्सिस होती है वो इमेजिनरी होती है. अब बस आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर की तरह आप इसको यहाँ पे बिंदास बेशक डिनोट कर डालो. ये चीज हमें समझ में आ रही है, यस और नो? परफेक्ट. चलो जी, एक पेज तुम्हारा खत्म हो गया है, ज्यादा और कुछ नहीं है. देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं सारा कुछ शेयर करती रहूंगी, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ यार ये गलत बात हो रही है, यहाँ पे मेरे को लाइक नहीं दिख रहे. Come on my army, let's do that, everyone. चलो चलो चलो. Okay, algebra of complex numbers. यहाँ पे आप देखोगे addition. Addition के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? सिंपल सी बात है, आप जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स को ऐड करते हो ना कि फर्स्ट पार्ट दोनों के एक साथ ऐड हो गए एंड सेकंड कोऑर्डिनेट्स एक साथ हो गए, बस उसी तरह आपने रियल को एक साथ करना है, आयोटा टाइम्स इमेजिनरी को एक साथ करना है। यानी कि अगर मैं क्लोजर लॉ की बात करूं, इसका मतलब क्या है कि z1 प्लस z2 भी कर लूँ तब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्रिएट हो रहा है क्योंकि ये रियल है ये रियल है, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ना। एंड आई गेस ये छोटू चीज़ें हैं जो तुमने पहले भी पढ़ी होगी कि z1 प्लस z2 करूँ या z2 या z2 एंड z1 करूँ, एक ही बात है। एंड इसी तरह अगर तीन है तो इनको जैसे मर्जी ऐड कर दो, करेक्ट। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी बोले तो मैं क्या ऐड करूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कि मुझे मेरा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाए, तो उसके अंदर आपने कुछ नहीं करना। आप जीरो को यार जीरो प्लस आयोटा जीरो भी तो लिख सकते हो, आप ऐसे समझो ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो सबका बाप है। हम चले थे नेचुरल से, होल पे आए, इंटीजर पे आए, रियल पे आए, कॉम्प्लेक्स तो भैया सबका बाप है। सो आप किसी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स में दिखा सकते हो, जैसे 2 लिखना है हमने, 2 प्लस जीरो आयोटा लिख दो, गॉट इट। चलिए, तो उस हिसाब से एडिटिव आइडेंटिटी भी मिल गई है मुझे। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, जैसे कि अगर आपने ये देखा z इज 2 - 3 आयोटा, तो अगर मैंने बोला आपको एडिटिव आइडेंटिटी मतलब मैं क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए, तो इसका नेगेटिव लोगे -2 + 3 आयोटा। आहा, इसको ऐड करते ही मिल गया है अंडा, समझे बेटा फंडा, है ना। सुपर्ब सुपर्ब, नाइस। चलिए, ओके, सो दिस इज सॉर्टेड। अब इसी तरह से सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ये चीज़ भी हमको काफ़ी क्लियर ही होगी। z1 - z2 सेम चीज़ करनी है आपने कि रियल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना, इमेजिनरी पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करता है। ऑब्वियसली अब इस बार z1 - z2 को z2 - z1 तो बोलोगे नहीं, है ना। तो इसके अंदर सिर्फ तुम्हारा ये लॉ लगाया है यार कि सब्ट्रैक्शन भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही पार्ट है। हाँ हाँ बेटा, आराम से शांति रखो, जा रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ा 15-20 मिनट तो हमें थ्योरी में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ना, तभी तो क्वेश्चंस चमकेंगे और बनेंगे, है ना। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, सिंपल है, इतना हाई फाई चीज़ें तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा तुमसे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दे दो तो हम आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो मैं आई थिंक आप लोग को ब्लैंक शीट पर ही ले जाती हूँ। 2 + 3 आयोटा एंड लेट्स से यहाँ पे आ गया है 7 - आयोटा। चलिए जी, बताइए जल्दी से झटपट। बिल्कुल, आपने जैसे ओपन करते हो ना ब्रैकेट, इसको मैं वेट कर रही हूँ चार्ट सेक्शन में। 14 - 2 आयोटा, ठीक है, प्लस 21 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, तो वो +3 बना देगा, तो 17 एंड यहाँ पे आ गया है प्लस 21 - +19 आयोटा। देखें जरा सबका आंसर आया कि नहीं, देख लें यार यही आंसर आ रहा है कि नहीं। 17 + 19 आयोटा, डन डन डन। अरे क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब। ओके ओके, नाउ कमिंग टू डिविजन। अब डिविजन के लिए क्या करना है, देखो डिविजन में भी हमने सेम ही चीज़ रखनी है। 2 - 3 आयोटा, लेट्स से 7 + आयोटा, और मैंने तुमको बोला डिवाइड करो। अब क्या हमने एक चीज़ सीखी थी कि हमें यार डिनोमिनेटर में एलर्जी है अगर आयोटा हो तो, ठीक है, तो ये करने वाले हैं हम, करेक्ट। सो दिस विल बी 14 - 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा एंड +3 आयोटा स्क्वायर मुझे -3 दे देगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर तो यार -1 होता है ना, तो समझो ये तो +1 हो जाएगा। एंड अब यहाँ से इसको आप सेपरेट करके लिख लो, 14 एंड 3 सब्ट्रैक्ट करके 3, तो ये 11/50। एंड यहाँ क्या आ जाएगा, एक मिनट जरा देख ले हमने सही किया है। 2 - 7 = 14 -2 आयोटा माइनस 21, हाँ -23/50 आयोटा, ठीक है जी, डन हो गया, ये चमक गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके डन। तो ये भी केडीएस हो गया है। तो बेसिकली ये आपके कॉम्प्लेक्स के रूल्स थे। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट बोले तो आपने सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका इमेजिनरी पार्ट ऑपोजिट हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, करेक्ट। तो अगर मैं बोलूं कि z इक्वल टू 2 - 3i होता है और मैं आपको बोलूं यार क्या ऐसा 3 है रे, और मैं आपको बोलूं z कॉन्जुगेट, तो आप क्या करोगे? रियल पार्ट देखो बेटा, जो रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का या जो रियल लोग होते हैं लाइफ में वो नहीं बदलते, वो नहीं बदलते, वो सेम रहते हैं। अरे प्रॉब्लम तो फेक वालों की होती है ना, इमेजिनरी वालों की, वो दल बदल जाते हैं जल्दी, समझ रहे हो? तो ये तो एज इट इज आएगा, इसका जो भी साइन है वो ऑपोजिट हो जाएगा। समझ गए बंधु? चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इसको आगन प्लेन पे अगर ड्रॉ करना है, यानी कि ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो अगर मैंने बोला 2 - 3i, तो बेटा ये 2 और -3, तो ये अपना एक्चुअली ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड इसका कॉन्जुगेट क्या हो रहा है 2 + 3i, वो किधर बनेगा भैया? ये तो 2 ही चलोगे, ये 3 कदम ऊपर बढ़ जाओगे, तो ये यहाँ हो गया। तो अब देख रहे हो एक मिरर इमेज आ रही है, क्यों अब उनकी बातें क्यों आप देख पा रहे होगे ना, ये एक मिरर इमेज आ रही है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट इट बिकम्स। दैट्स इट गाइस, या सुपर, चलो जी ग्रेट। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार। इन नोट्स की तो तुम चिंता करो ही मत ना, ये तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, राइट। यहाँ क्या आ रहा है, कॉन्जुगेट में पूरे का लूँ या इसको स्प्लिट कर दूँ, हर एक पे सेम बात होती है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है, करेक्ट, एंड डिवीजन में भी यही होता है। ऑब्वियसली जब मैं डिवीजन की बात कर रही हूँ, वो तो कहीं भी कर रही हूँ, तो आपका डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, राइट। अच्छा, ये वाला जरा समझो, काफी इंपॉर्टेंट वाले रिजल्ट है ये। और अगर आप सोच रहे हो हाय नेहा मैम इसको याद कैसे करें, ये होगा कैसे, तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं ये कुछ भी नहीं है, राइट। आपने z को लिया, लेट्स से a + i, z कॉन्जुगेट हो गया है a - i। व्हेन यू ऐड देम तो क्या बन गया, i - b वाले टर्म्स कट गए हैं, ये हो गया है ना। तो अगर आप देखो z + z कॉन्जुगेट अपॉन 2, a क्या था, रियल पार्ट ऑफ z था, समझे? टंग 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 टंग, या उसी प्रकार से अगर हम देखें यहां पे z, अरे z - z कॉन्जुगेट, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको 2i भी मिलेगा, तो समझ तो तुम गए होगे z - z कॉन्जुगेट अपॉन 2i जो है, b बोले तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। आई गेस ये चीज क्लियर है, अगर है तो यार एक बार लिख तो दो। KDS हो गया, KDS हो गया मतलब किल्ड, डेड, स्लॉटर्ड, मतलब एकदम खत्म हो गई है चीज जड़ से, या सुपर। ओके चलिए बढ़ जाते हैं आगे। एंड ऑब्वियसली z का z कॉन्जुगेट लोगे, आई मीन z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लोगे तो ओरिजिनली मिलेगा ना। ओके, कमिंग टू मॉड्यूलस, आई होप सबको पेस सही लग रही है, मैं बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं कर रही, सही है? अरे बता दो, फीडबैक ही तो जीवन है बेटा। चलिए ओके, अभी यहाँ पे क्या है, z = x + i/y यहाँ मुझे मिल रहा है। मॉड्यूलस क्या होता है, सिंपल सी बात है कि अगर ये भाई साहब आगन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में यहाँ पर बैठे हैं, तो मॉड्यूलस मतलब ओरिजिन से उसका डिस्टेंस। ओके सो ये OP से डिस्टेंस क्या हो गया, √x² + y², राइट, √x² + y²। तो बिल्कुल आपने OP डिस्टेंस लेना है, यानी कि मॉड z क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ z² प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z²। सिंपल सी बात है, सब के सब देखो अभी के अभी मुझे ना बता दो 2 - 3i का मॉड क्या होगा। चलो जल्दी से आग लगाओ इन द चैट सेक्शन। चलो चलो चलो, ओके चल गया तेरा जादू चल गया। आई थिंक बच्चों ने ये कर ही लिया होगा, इसमें कुछ खास है नहीं। 2 स्क्वायर यानी हाँ -3 स्क्वायर, ऑब्वियसली 4 + 9 √13 होता है। गॉट इट। आई गेस जनता ऑलरेडी आंसर दे चुकी है। ओके, मूविंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। भैया जहाँ पे तुम्हें ये सितारा दिख रहा है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या z into z कॉन्जुगेट तुम्हें mod z square देता है। इसको हल्के में मत लेना, काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो z देख लो ना यार, a + iota b into a - iota b, तो क्या हो जाएगा a square - iota square जो 1 दे देगा + b square। अच्छा, और mod z का जरा होल स्क्वायर करोगे तब भी यही आएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है ना। बाकी आप mod z का कॉन्जुगेट लो या mod z लो या नेगेटिव ऑफ z लो, तीनों का mod सेम होता है। प्रोडक्ट और आपके डिवीजन में तो ये प्रॉपर्टी वर्क करती है मॉड्यूलस की, जैसे कॉन्जुगेट की करती थी। लेकिन किंतु परंतु बंधु एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है। यानी कि व्हाट एम आई गोइंग टू से, वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो काफी तगड़े तरीके से यूज होती है तुम्हारे सवालों में। अरे हो किसके ख्यालों में, अभी आएगा सवालों में, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, mod z1 + z2 इज लेस देन इक्वल टू दिस। ट्राइंगल इनइक्वालिटी समझते हो ना, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द 3rd साइड। तो उसी से कुछ कुछ आप समझ लो, इंस्पायर्ड है, करेक्ट। एंड अगर नेगेटिव साइन हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट बोथ ऑफ देम। ये भी एक तगड़ी प्रॉपर्टी, काफ़ी समय आपका बचाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल तो बनता है बॉस। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लिख दूँ, आपको मैं बोलूँ 2 - 3 iota raised to power 5 का आप मॉड निकालो। भैया तुम्हें तो पहले इसको बाइनोमियल से एक्सपैंड करना पड़ेगा, है ना। 2 - 3 iota raised to power 5 पे फोकस करो। फर्स्ट यूल एक्सपैंड इट यूजिंग बाइनोमियल। अच्छा, उसके बाद हम रियल पार्ट्स को एक तरफ करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को दूसरी तरफ करेंगे। फेयर इनफ। ओके, अब ये होता है। तो इसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आप एक आपका फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर मॉड लोगे। खतरनाक। इसकी जगह अगर आपको मैं बोलूँ आप ऐसे कर सकते हो, तो इसका तो अभी आपने निकाला था √13, है ना। आए हाय क्या बात है, ये हुई ना बात यार। मैथ्स लाइफ को ना सिंप्लीफाई करने के लिए बनाए, समझ जाओ, है ना। चलिए ओके, उसी तरह से आप यहाँ पे देखो, आप इसको एक्सपैंड करके देख सकते हो। इवेंचुअली हमको ये चीज़ मिल जाएगी। मतलब आप मॉड है ना, तो आप इसको, जैसे मैं प्लस वाली चीज़ ले रही हूँ, ठीक है। सो mod z1 + mod z2 होल स्क्वायर। अगर मैं आई वॉन्ट टू कंसिडर दिस, तो इसमें आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। जिसके अंदर हमें इवेंचुअली क्या मिलता है, z1 + z2 तो z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। अब आप जरा ओपन करोगे इसे, तो z1 into z1 कॉन्जुगेट + z1 into z2 कॉन्जुगेट + z2 into z1 कॉन्जुगेट + z2 into z2 कॉन्जुगेट। वाह, अब ये तो mod z1 स्क्वायर दे देगा। ये वाला, मैं तो फ्रेम से ही बाहर निकल गई, बताओ पढ़ाते पढ़ाते। ये आपको mod z2 स्क्वायर दे देगा। एंड दिस वन गाइज, इफ यू नोटिस, यहाँ क्या है, चाहे तो आप इसे ऐसे लिख लो z1 z2 कॉन्जुगेट + z2 z1 कॉन्जुगेट, या फिर अगर आप वैल्यू डाल के देखोगे तो इवेंचुअली आपको z1 into z2 कॉन्जुगेट करोगे। यानी z1 x + iota y ले लिया, z2 आपने लेट्स से a के टर्म्स में तो a - ib ले लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको इवेंचुअली यही चीज़ मिलेगी। सो द चॉइस इज योर्स। आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह यूज़ कर सकते हो। चलिए जी, इसके साथ बढ़ते हैं हाँ, एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट की तरफ। काफ़ी ज़्यादा जूम हो गया, दिल जूम जूम करे हो गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा जी, आर्ग्यूमेंट ना करनी नहीं है, आर्ग्यूमेंट पढ़नी है। सो व्हाट इज इट, आर्ग्यूमेंट यानी कि एंगल। इसका दूसरा नाम होता है एम्पलीट्यूड। ओके, सो ये क्या है, अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, देन mod z हमको पता है, थीटा या आर्ग्यूमेंट इज एंगल मेड बाय ये जो आपका ओपी है विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। आप इसे कुछ ऐसा समझ लो जैसे आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं निकालते थे स्ट्रेट लाइन में। हाँ, अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है? देखो होता क्या है ना बेटा, इन जनरल तो जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है वो 0 से 2π पूरे डांस करता है, लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कि यार सबका भैया सेम एक यूनिफॉर्म आंसर आए उसके लिए हमने बनाई प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, जो आपकी -π से π के बीच में लाई करती है। होता क्या है, आपने tan थीटा लेना है ना, तो आप ये क्या करोगे, आप बेसिकली ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो। समझ लो इसे थोड़ा सा, करेक्ट? तो tan थीटा तुम्हारा y/x आ रहा है, यानी कि थीटा हमारा tan 1 of y/x आ रहा है। यस? अरे यस सर नो, जल्दी से बता दो बच्चों, थोड़ा तो बता दो ना, है ना? हो रहा ना ये चीज? नाइस। अब अगर ये चीज हो रही है तो y क्या है आपका? अगर मैंने z को x + iota y लिया है, इससे हमें ये क्लैरिटी मिल रही होगी कि y जो है आपका वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है एंड x जो है आपका वो रियल पार्ट ऑफ z है। ठीक है जी, इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट ऑफ z। ओके, करेक्ट? अब आप याद कैसे करोगे? देखो क्या है कि आपने इवेंचुअली -π से π के बीच में घुमाकर लानी है चीज। तो इसको देखो, करने से पहले ना मैं थोड़ा सा ध्यान से इसको समझाऊंगी। आपने इसको याद करने का तरीका क्या है, ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है, राइट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखो फर्स्ट एंड सेकेंड में तो कोई टेंशन होने नहीं वाली, क्योंकि आपका आर्ग्यूमेंट यार -π से π के बीच में अलाउड है। फेयर इनफ। तो यानी इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम मुझे कहाँ होगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप थीटा लिख दोगे, यहाँ π - थीटा लिख लोगे। जैसे ही यहाँ पे आया, आप अगर इस तरह से जाओगे तो ये π + थीटा बन जाएगा ऑब्वियसली। अब π + थीटा तो π से बाहर निकल गया, बहुत गलत हुआ। अच्छा, अब ये गलती सुधारने के लिए मैं यहां से भी तो कर सकती हूँ इसको। तो जरा ऐसे फीलिंग लाओ तुम, अगर तुमको यहां से देखना होता तो ये π - थीटा हो सकता था। मतलब एक मिनट इमेजिन करूं, ऐसे उल्टे खड़े हो जाओ, क्या बोलते हो उसको, शीर्षासन क्या बोलते हैं, वैसे खड़े हो जाओ और इसको जैसे फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की तरह फील करो। π - थीटा होता है, लेकिन तुम्हें भी पता है यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो या क्लॉकवाइज चल रहे हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे क्या लगता है ना बेटा, इस वक्त पे, एक तो अर्ली मॉर्निंग का वक्त, अरे किस वक्त पे मेरे घर में जो घंटियां बजती हैं, मुझे लगता है कि मुझे एक डोर कीपर हायर करना चाहिए। तुम लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? चलो जेई के एग्ज़ाम के बाद बता देना, लेकिन बताना ज़रूर, क्योंकि एक बंदा तो आई थिंक डोर ही ओपन करता रहता है घर का। ओके, एनीवे, सो ये आपका सॉर्ट हो गया। -π - थीटा आएगा आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड अगर फोर्थ, अरे मिट जा, ओके। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? सिमिलर सिचुएशन। फोर्थ क्वाड्रेंट सिमिलर सिचुएशन। क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर अब तुम ध्यान से देखो, अगर तो मैं पूरा ऐसे चल के आऊंगी तो भैया बहुत बड़ा हो जाएगा एंगल। रादर मैं अगर यहाँ पे होता थीटा, तो ये इसी का नेगेटिव है, समझ रहे हो? तो अब इसको याद करने की बहुत ही बढ़िया तकनीक है, टेक्निक। वॉट इज इट? तो याद करने की बहुत ही बढ़िया ट्रिक क्या कहती है, यहाँ तो थीटा है, यहाँ π - थीटा है, इसके नीचे इसका नेगेटिव, उसके नीचे उसका नेगेटिव। समझ गए? अरे समझ गए तो एक दिल तो बना दो कि हाँ मैम लव्ड इट, लव्ड इट। ये तो बहुत आसान था। हाँ, हो रहा है बढ़िया। अच्छा, आई वॉन्ट टू नो, अब मैं अगर यहाँ पे आपको z = -1 + iota दे दूँ, आप इसका, मैं बोलती हूँ, आर्ग्यूमेंट फाइंड करो। कैसे करोगे? आपने क्या कहना है, देखो समझो इसको। आर्ग्यूमेंट के लिए यार आपने बोलना है इट इज tan 1 of इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है जी, ये आपका हो जाता है, ये कैसा -1 tan 1 of -1। अब आपको देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, राइट तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करो। टैन देखो, अगर टैन का तुमसे एंगल पूछा जाए तो वो नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। नहीं, ये क्या बोल रही हूँ मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आपको ये सोचना है कि अब सेकंड में आर्ग्यूमेंट आपका होगा ये एंगल या फोर्थ में होगा। उसके लिए क्या करते हो, थोड़ा सा मैं आपको ना पोलर कोऑर्डिनेट्स का एक आइडिया दे रही हूँ क्योंकि वही कमिंग अप में है। आपने ये इमेजिन किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कि यार ये x, y है, ओके आपको ये भी पता है कि मैं यहाँ पे इसको z अगर मेरा x प्लस आयोटा y है तो मॉड z निकाल दूँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो ये डिस्टेंस OP है जिसको मैं r भी बुला सकती हूँ, बुला तो देखो तुम कुछ भी सकते हो, करेक्ट। अच्छा, और ये अगर थीटा है तुम्हारा आर्ग्यूमेंट जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इफ आई ड्रॉप परपेंडिकुलर, खुद से बताना ठीक है, मैं x बाय आर कर दूं, x आपको पता है ये डिस्टेंस है तो ये cos थीटा आता है, यानी मैं x को r cos थीटा भी लिख सकती हूँ, राइट। सेम वे में मैं y, ये y है, y बाय आर यानी y को r साइन थीटा लिख सकती हूँ, करेक्ट। अभी r तो जो भी है मॉड है। अब यहाँ से इमेजिन करो ये r cos थीटा है, जो तुम्हारा x है ना r cos थीटा, तो cos तुम्हारा नेगेटिव है एंड दूसरा वाला यानी साइन पॉजिटिव है। ऐसा कब होता है? ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है या सेकंड क्वाड्रेंट में? तुमने शॉर्टलिस्ट किए थे, जल्दी जल्दी बताओ। अरे मुन्ना, इतना थोड़ी ना समय है अपने पास। एग्जैक्टली ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। तो जी डिसाइड हो गया कि हमारा जो थीटा होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। थीटा भाई साहब अपने सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई माइनस पाई बाय फोर, बोले तो इसके लिए 3 पाई बाय 4 आ जाएगी आर्ग्यूमेंट। तो जैसे मैंने कहा आर्ग्यूमेंट करनी नहीं है, आर्ग्यूमेंट पढ़नी है, राइट। सो आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, 3 पाई बाय 4, सॉरी थीटा नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो आपका गिवन नंबर था। चमक गया ये सबको, क्या बात है, सुपर सुपर। सर आप भी कुछ सीख रहे हैं या सिर्फ खड़े हैं? नहीं। क्या नहीं, तो अगला सवाल अब आपके लिए। चलिए, z इज इक्वल टू, हम यहाँ पे देखते हैं, लेट अस से कुछ भी ले लेते हैं √3 माइनस आयोटा, करेक्ट। और मुझे निकालना है इसका आर्ग्यूमेंट, तो क्या करेंगे, अरे जल्दी जल्दी लिख दो बच्चा, जल्दी जल्दी लिख दो। आप क्या करते हो, देखो tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अब वही कहानी है जो सबको सुनानी है कि ये आर्ग्यूमेंट जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि वहीं से हमें हमारी ट्रिक टेबल याद आ जाएगी। याद है, थीटा पाई माइनस थीटा, इसका नेगेटिव उसका नेगेटिव, बस ये चीज याद कर लो। एग्जैक्टली तो यहाँ आप मेंटली देखोगे आपका कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। ऐसा कब होता है, कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, एग्जैक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना। शैतान, वेरी नाइस। तो आपका यानी आर्ग्यूमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कह देंगे, यस -π/6, सुपर। अब इसी से एक कदम मैं लेके आगे जा रही हूँ तुम्हें पोलर फॉर्म पे, जिसका हमने जिक्र तो कर दिया था लेकिन फिक्र अब करेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, बिल्कुल यही आपने जो लिखा है ना, आप लिखते हो मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब मॉड जेड लिखो या आप आर लिखो, एक ही बात है, होता वो मॉड्यूलस ही है। यानी इस केस में अगर मैं इसका बोलूँ मॉड पता लगाओ, तो मॉड आप बोल दोगे √3² माइनस 1², जो कि हो जाएगा 3 प्लस 1 तो आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 cos -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6, ठीक है जी। सॉर्टेड है, किल्ड एंड स्लॉटर्ड है। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके कूल। चलो ये सब हो गया है एंड तो आर्ग्यूमेंट एंड पोलर का एक आइडिया लग गया, करेक्ट। एंड बाकी अब आप प्रॉपर्टीज पे आओ। ये लॉग जैसी प्रॉपर्टीज इसकी होती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पूछा हो तो आप हर एक की आर्ग्यूमेंट को ऐड करते हो। ये 2k पाई बेसिकली क्या होता है कि कई बार आपको ना ऑप्शन ऐसे दे रखे होते हैं कि आपने एक सर्टन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में उसको वापस लाना पड़ता है, तो आप 2k पाई यानी कि एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो। बट दिस इज ओनली रिक्वायर्ड कि अगर आपने किसी ऑप्शन से मैच करना है। सेम चीज लॉग वाली फीलिंग। एंड यहाँ पर भी जैसे मैं कहती हूँ जंप प्रॉपर्टी, जैसे लॉग होता है तो ये वाला नंबर बाहर आ जाता है ना कूद के, बस यहाँ पर भी यही होता है, ठीक है। ये प्लस जो 2k पाया है तुम समझ जाओ, ये सिर्फ जब क्वेश्चन आएंगे एडजस्टमेंट में हमको हेल्प करेगा और कुछ इसका काम नहीं है। ओके जी, पोलर फॉर्म जी आपसे हमने अभी बात करी ली है, ठीक है, कि आप कैसे लिखते हो पोलर फॉर्म में, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हो। चलिए पोलर हो गया है, यूलर पे आते हैं। पोलर हो गया है, यूलर पे आते हैं। बेसिकली पोलर फॉर्म में क्या है कि आपने z को ऐसे लिखना सीखा, आई मीन अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड z एंड यू रोट दिस एज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या फिर मॉड z की जगह आप r लिख देते हो, है ना, तो आप ऊपर लिख सकते हो ये चीज, राइट। अब यही फीलिंग है बेसिकली, इसको मैं शॉर्ट अगर करके लिखना हो मुझे तो मैं इसको e रेज टू पावर आयोटा थीटा लिखती हूँ। तो बात वही है, बस लिखने का अंदाज नया है कि आप इसको एक शॉर्टर वर्जन में लिख देते हो, यूलर फॉर्म। गॉट इट, सबको चमका? ओके, अब इसी से बात करते करते हम पहुंच गए हैं तुम्हारे डी मोइवर्स थ्योरम पे, हाईली इंपॉर्टेंट। आप इसके ऊपर भी बेस्ड पीवाईक्यूज काफी सारे देखने वाले हो, ठीक है। वो क्या कहता है, तुम्हारी लाइफ आसान बनाने के लिए ये थ्योरम है। क्या? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू पावर n में तुम्हें दे दूं, और ये n अगर कोई रैशनल नंबर है या इंटीजर है तो भैया ये n कूद के दोनों आर्ग्यूमेंट के पास आ जाएगा कि आजा मैं तेरा दोस्त। सो कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि ये मैम क्या यूजलेस या यूजडलेस प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, मैं अगर आपको बोल दूं आप कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, ठीक है, रेज टू पावर लेट्स से 72 निकालो। चक्कर आया कि नहीं? चक्कर आया कि नहीं? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यू कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई दिस विद एवरी आर्ग्यूमेंट इनसाइड, तो आपने एक्चुअली कॉस ऑफ 72 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 72 पाई बाय 4 जो आप निकाल लोगे, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है, इन एंगल्स को निकालना, करोगे तो आंसर कितना झटपट आएगा। यस और नो? सो दैट इज हाउ योर डी मोइवर्स कम्स आउट टू बी वेरी हैंडी। ये तो सिर्फ मैंने एक छोटा सा ऑर्डिनरी सा एग्जाम्पल लिया है बेटा जी, अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल तो आने बाकी है मेरे दोस्त, सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। चलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे आते हैं। दो मैक्सिमम जनता को आई गेस ये चीज पता होगी, लिख दो जरा, हाँ जी या ना जी, क्या यस और नो? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फिर भी कर लेते हैं, एक बार सीख लेते हैं। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या है? ये क्या है? ये है छुपा रुस्तम। ये क्या है? ये छुपा रुस्तम है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ नेहा मैम? दैट मीन्स ये कभी भी ना ऐसा ढोल बजा के नहीं आता तुम्हारे पेपर में, मतलब ये नहीं बोलेगा लो जी लेट अस अज्यूम दिस इज ब्ला 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 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, नहीं, वो एक हिडन वे में आएगा जहां तुम पहचानते हो अरे ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, समझ रहे हो। तो ये वो छुपा रुस्तम है कि इसको तुम्हें लगता है कि तुम भैया इससे इस टॉपिक से बचे और वो ऐसे आके पीछे धप्पा कर देता है, धप्पा, राइट, समझ रहे हो। सो मतलब वो आपको ऐसी इक्वेशन जल्दी की नहीं देते, वो क्या देते हैं, इसका एक बाय प्रोडक्ट, मतलब x³ - 1 = 0। आज तक तो यार हम बोलते थे x = 1, लेकिन वो रियल नंबर्स में होता था। एक्चुअली तो ये डिग्री 3 की इक्वेशन है, तो यानी मेरे पास 3 रूट्स आने चाहिए। अब आएंगे वो, कैसे करोगे इसे आपको पता है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो a³ - b³ के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ से तो आपको रियल रूट मिल जाता है और आप खुश होकर आज तक घर चले जाते थे और इसको आप बोल देते थे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, नहीं चलेगा। अब चलेगा, अब चलेगा, क्योंकि अब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव भी है तो अपने पास आयोटा है, मेरे पास आज आयोटा है, तुम्हारे पास क्या है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा b² माइनस 4ac, सो ये माइनस √3 यानी कि √3 आयोटा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से रूट्स क्या आ जाएंगे तुम्हारे, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2a जो ये है। ओ तो -1/2 प्लस √3 आयोटा बाय 2 एंड -1/2 माइनस √3 आयोटा बाय 2। ये जो दो लोग हैं कमाल के, ये है, इन्हीं का नाम पड़ा है मिस्टर ओमेगा एंड मिसेज ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला, क्योंकि आप इसका होल स्क्वायर करके देख लो, आपको वही मिलेगा। गॉट इट। अब आपसे जेई वाले क्या पूछते हैं, आपको ना कहीं ये इक्वेशन दे देंगे, तो फिर आप बोलोगे अच्छा ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की है ना, कहीं ना कहीं ये चीज़ यूज हो जाएगी। एंड अनदर थिंग, जो दूसरी काफ़ी तगड़ी इक्वेशन है जो तुम लोग से पूछी जाती है, वो है x² माइनस x + 1 = 0, जिसके रूट्स अगर आप निकालोगे तो वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर निकलते हैं। तो ये पूछ लेते हैं या फिर ये पूछ लेते हैं, चाहो तो आप इनको याद ही करके रख लो ना, किस्सा ही खत्म। यस, अब मैं आ रही हूँ काफी दमदार, जिसको मैं बोलती हूँ गोल्डन प्रॉपर्टीज ऑफ योर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो नेहा मैम ने लिख भी रखा है, क्या, बस इन दोनों को याद कर लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। एक और चीज आपने देख ही लिया होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं। ओके, ओमेगा क्यूब = 1, ऑब्वियसली अगर मैं बोल रही हूँ x³ माइनस x³ = 1 है, तो x अगर इसका रूट है तो ओमेगा क्यूब = 1 देगा। एंड ऑब्वियसली अगर मैं इसको अभी आपके सामने फैक्टराइज करके ऐसे लिखा था, तो ओमेगा रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब बेसिस दिस ना यार, ये बड़ी तगड़ी तगड़ी चीजें आपकी उड़ा देता है, ठीक है। एंड जैसे आपका आयोटा रेज़ टू पावर 4 था, उसका हमने बहुत फायदा उठाया। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर को फाइंड करने में आप ओमेगा क्यूब = 1 का भी फायदा इसी प्रकार से उठा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर ये दिया है आपको, तो ये क्या बन जाएगा, आप देखना है ना आपको 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये 7 आ रहा है, इसका मतलब 2022 तो डिविजिबल था, ये आपको सिर्फ ओमेगा दे देगा, समझे। टंग 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 टंग, मतलब मैं उतनी मेहनत ही नहीं करूंगी ना कि ओमेगा ब्ला 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 इंटू ओमेगा, आपको पता है इसमें तो 1 नहीं हो जाना, सिर्फ ये बचेगा, है ना। नाइस, ओके, अब इधर आजा, कहाँ गया, रुक जा भाई, रुक जा, रुको जरा। यहाँ nth रूट ऑफ यूनिटी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हम इसे समझेंगे। x⁴n = 1 अगर दे रखा है, तो मैंने इसके रूट्स तुम्हारे लिए डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। डेरिवेशन में मैं जा नहीं रही हूँ, डायरेक्ट आप इसको क्या, cos 2k π/n प्लस आयोटा sin 2k π/n, जहाँ k कुड बी एनी इंटीजर अप टू 1 रूट कम, क्योंकि 1 रूट तो इसका यार 1 ही आएगा ना, एंड बाकी यहाँ से आएंगे, जिसको मैं यार यूलर फॉर्म के साथ ऐसे लिख सकती हूँ। कूल। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी ट्रिक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इतने सालों में देखोगे, 5 साल के भी पेपर देखोगे, आपको ये टॉपिक नहीं देखा गया। स्टिल कैसे फाइंड करते हैं, इसकी एक एक्सक्लूसिव ट्रिक वीडियो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके वैसे यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख चुका है। ओके अब ये चीज़ है, इसकी भी एक ट्रिक वीडियो है आपकी, ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या लोकाय, रोटेशन में अलग से कराऊंगी। लोकाय या लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसे किस तरह से करते हो, अगर आपको ये फॉर्मेट दिख जाए, mod z माइनस z1 प्लस mod z माइनस z2, जहाँ z1 एंड z2 आपको गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, तो इसका लोकस 100%। अब मैंने डायरेक्ट क्यों दिया, क्योंकि आपके पास यूजुअली ऑप्शन होते हैं। अगर तो k आपका mod z1 माइनस z2 के बराबर है, तो आप सीधा वो वाली ऑप्शन टिक करोगे जहाँ पे होगा लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2, अभी आगे आप क्वेश्चंस में देखोगे। अगर नॉट इक्वल टू है तो ये इलिप्स बनेगा। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन ले लो, तो इसमें लाइज ऑन रे ज्वाइनिंग z1 एंड z2 नॉट इक्वल तो हाइपरबोला, एंड सबसे ज्यादा काम आने वाली ये वाली है। तो अगर तो mod z माइनस z1 इक्वल टू mod z माइनस z2 हो जाता है, यानी कि ये 1 हो जाता है, तो आप बोलते हो इसका लोकस कहाँ लाई करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। और अगर नॉट इक्वल टू 1 है, यानी k कुछ भी है 1 नहीं है, तो ये सर्कल होता है, करेक्ट। तो इस पे बेसिस पे आप बहुत जल्दी सवाल सॉल्व कर पाओगे। अब बेटा, आर वी एक्साइटेड, आर वी रेडी फॉर द क्वेश्चंस? तो एक बार यार जरा लाइक शाइक ऊपर हाई शाइक कर दो, एंड एक बार लेट्स ब्लास्ट, लेट्स किल JEE, राइट। फटाफट से ये काम कर दो, फटाफट से। Come on my army, सुपर। एंड एक बार ये आपको क्विकली से दिखा दूं, आपको इस बेसिकली ये जो सीरीज चल रही है JEE ब्लास्टर सीरीज, टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर, ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, tinyurl.com/JEE विद नेहा मैम। ये जो अतरंगी सतरंगी हरा भरा सा लिंक है, ये यहीं से है, आपको इस वक्त आपके लाइव चैट में भी पिंड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, आपको सारी की सारी वीडियोज इसमें अपडेट होती हुई दिख जाएंगी, जितनी भी हो चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा आप फॉर एग्जाम्पल मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के फोकस 2022 के PYQs करना चाहते हो, 2021 के करना चाहते हो, या उससे पुराने करना चाहते हो, तो ये सारी आपकी वीडियोस लगी हुई हैं। चाहे तो जाके 2x पे देखो, चाहे तो PDF निकाल लो इनकी डिस्क्रिप्शन से, इन खुद से सॉल्व करो। उसी तरह से NTA के क्वेश्चंस भी, हर चैप्टर का ये सब दे रखा है, जाके आई विल हाईली रेकमेंड कि इस PDF को डाउनलोड करो, तैयारी करो। आपके JEE मेन 23 का सिलेबस इज 100% सेम एज JEE मेन 21 या 22, यानी हर एक वीडियो इस PDF की आज भी आपके लिए उतनी ही रेलेवेंट है। चलिए जी, ऑन दैट नोट हम करते हैं सवालों की शुरुआत ऑन द वेरी फर्स्ट टॉपिक which will involve power of iota and basic algebra of complex numbers. है तैयार हम, है ना जी, है तैयार हम। और ये हार्ड वर्क तो तुम लोग के लिए हो ही रहा है, दिल धड़काते धड़काते। अरे एक मिनट, cool, so as we say let the magic begin, okay। सबसे पहला सवाल सेंगेज बुक से है, इसको जरा ध्यान से पढ़ो। what does it say बच्चों? आपको क्या क्या दे रखा है? आई नो बहुत सफेदी की चमकार आ गई है, पर पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, आगे आपकी स्लाइड्स काली कर दी जाएंगी। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स x एंड y दे सैटिस्फाई दिस and x minus y is 7 iota, xy is a plus iota b, the value of this is क्या? तो आपने बेसिकली a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करना चाहते हो? जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ए क्यूब माइनस वाई बी क्यूब का फॉर्मूला मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। एक तो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए माइनस बी तो मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे को नहीं मिलेगा, तो इसकी जगह इफ आई राइट इट दिस वे, एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस याद है ना x माइनस वाई होल क्यूब को कैसे लिखते थे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड माइनस दिस थिंग। तो ये चीज क्लियर हो गई है, ये फॉर्मूला मैंने लगा लिया है। बहुत ही ज्यादा ब्राइट एंड वाइट है, टाइट सफेदी आ गई है यहाँ पे। x माइनस वाई, सो 7 आयोटा होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई जो है a प्लस आयोटा बी, एंड x माइनस वाई क्या है फिर से 7 आयोटा, वेरी नाइस। एंड एक्स, अरे ये भी 98 आयोटा दे रखा है, वेरी नाइस। यानी कि आपने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज करनी है। इसका मतलब क्या होता है, रियल एंड रियल पार्ट को इक्वेट कर दोगे, इमेजिनरी इमेजिनरी को। वाह वाह क्या बात है, सुपर है ना। ओके ओके, सो 7, ये तो आपका यार 343 आयोटा क्यूब हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे क्या होगा, 3 times this is 21 iota, 21 a iota minus 7 b iota square। तो यार मैंने अगर रियल पार्ट्स को इक्वेट करना है तो यहाँ से तो जीरो है, यहाँ का रियल पार्ट यहाँ से आएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, तो प्लस 7 21b। ओह, तो b तो शून्य है दोस्तों, वाह। एंड अगर इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करूं, अगर तुमने आंसर निकाल दिया तो जल्दी से बता दो बच्चों। ये आ जाएगा 98 इज इक्वल टू माइनस 343 प्लस 63a। राइट, तो 63a क्या हो जाएगा, 8 एंड 3 11, यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड 4 13 एंड 14 एंड 441। ये देखो ज़रा ये सही हो रहा है कि नहीं। 343, अरे सीधा ही करो ना, 343 प्लस 440, हाँ 441 सही तो है, इतना क्या सोचने का। यही आ रहा है ना बच्चा, इसमें से फिर काटो काटो, मारो मारो। 3 है, 3 4 12 हो जाएगा एंड दिस इज 3। ओके, आई कैन स्टिल डू इट, यस यस यस। ए इज 3 से किया एंड 3 4 12 40। अरे अरे अरे, A7 आया क्या, A7 ही आ गया क्या डायरेक्टली, कुछ गड़बड़ तो नहीं की दोस्तों। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। ये आपका आ रहा है 3A। सो एक सेकेंड इसको चेक कर लेते हैं। आई थिंक कुछ यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, एक मिनट चेक करें तो माइनस 343 प्लस सेम ही आ रहा है ए प्लस आयोटा बी 21। अच्छा, इन्होंने तो सीधा ही सिंप्लीफाई कर दिया, इन्होंने इमेजिनरी रियल का खेल ही नहीं रखा। लेकिन हम अगर देखें तो यहाँ पे देखो 98 इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, अच्छा ये भी आ रहा है माइनस 343 भी, और ये भी आ रहा है प्लस 63 है। एक बार चेक कर लो, कुछ तो आई थिंक कहीं गड़बड़ हुई होगी। 3 इंटू ए प्लस आयोटा भी सही है, 3 इंटू ए प्लस आयोटा भी सही है, क्योंकि एक्स वाई की जगह लिखा है, एंड एक्स माइनस वाई भी 7 आयोटा सही है। कूल, सो कुछ तो इक्वेट करके हमें मतलब देखना पड़ेगा एंड वी विल गेट आवर आंसर टू बी दिस। सो एक बार ये चेक कर लेना, पर ए प्लस बी 21 मिल जाएगा, ठीक है। मैं भी चेक कर लूँगी इसको वापस से। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब बेसिकली क्या है कि कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, बाकी फिर छोटी मोटी चीज़ें तो तुम अपने आप निपटा सकते हो। चलिए, यहाँ पे मुझे दे रखा है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू दिस, x एंड y आर रियल नंबर्स एंड y माइनस x क्या है। फिर से यानी है कि x एंड y आपने निकालना है, तो तुम भी शुरू हो जाओ, हम भी हो जाते हैं। इनफैक्ट एक चीज़ मैं करूँगी, यहाँ से -1 होल क्यूब को ना कॉमन बाहर फेंक दूंगी, ताकि लाइफ आसान हो थोड़ी सी, ऐसे करके, है ना। सो दिस इज -1, तो ये आ जाएगा आपका, कैसे कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अभी मैं सिर्फ लिखती जा रही हूँ सब कुछ, सिंप्लीफाई अब हम कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ रहा है, अब देखो आयोटा स्क्वायर जो है वो तुम्हारा -1 दे देगा। सो आई विल हैव 8 एंड एक यहाँ से 3 कट जाएगा, सो आई विल हैव 8 माइनस 2/3 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ज़रा यहाँ से 3 3 कट गया है, तो प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा बाई 27। तो यानी आई एम गोइंग टू इक्वेट दिस थिंग, दोनों का नेगेटिव लेना है, इतना आप देख लेना। सो 8 3s are 24 माइनस 2, सो 22 माइनस 22/3 इज इक्वल टू एक्स बाय 27। तो माइनस 198 तो तुम्हारा एक्स आ गया। अब वाई भी इसी प्रकार से निकाल के मुझे जल्दी से आंसर दे दो। वाई भी ऐसे निकालोगे, यहाँ क्या करोगे, 27 and 4 विच इज 28, यहाँ पे आ रहा है 27 and 4 है ना, तो 4, 7, 28 and 4, 2s are 8, 10. 108 by 27 is equal to y by 27. नेगेटिव था ये मत भूलना. तो y अपना -108 आ रहा है, बस सही है. फिर y माइनस एक्स कर दो, आंसर दे दो. 107 आएगा ना, -1 भी तो किया है. रुको ज़रा सबर कर. अरे ठीक है ना, हाँ ये आ जाएगा. ठीक है, सो आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि -107 माइनस ऑफ माइनस, सो 198. तो आई गेस ये एंड में यूनिट टर्म से दिख रहा है 91, लेकिन पॉजिटिव वाला आ रहा है, पॉजिटिव वाला आ रहा है. वैसे इन्होंने तुम्हें घुमाने की काफ़ी कोशिश करी नेगेटिव वाला भी सेम ऑप्शन देके, लेकिन तुम झुकेगा नहीं, है ना. चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट. आइए दूसरा वाला सवाल करते हैं. This is what we have now. Let's see. Let's see इसे कितने बच्चे कर रहे हैं. Let me see, let me see, let me see, 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 let me see, let me see. Okay. यहाँ पे देखो एक चीज हो रही है, रेस टू पार तो चलो कुछ भी है, उसको बाद में निपटाएंगे. एलर्जी, आयोटा है डिनोमिनेटर में, एलर्जी की बात है. तो सबसे पहले तो यार इसको निपटाओ. दैट मीन्स जस्ट रैशनलाइज दिस. ठीक है जी. सो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, जो 2 दे देगा. बहुत बढ़िया. सो नाउ आप वो ओपन करो यार इसे. माइनस आयोटा प्लस आयोटा √3 एंड दिस इज आयोटा स्क्वायर विच इज -1 माइनस √3 बाई 2. बहुत बढ़िया. -1 माइनस √3 प्लस आयोटा टाइम्स √3 -1. ठीक है, दिस इज वॉट वी आर गेटिंग. एक बार सबके सब जरा चेक करो. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग गाइस, है ना. लेकिन सवाल ये आता है यार कि अब तुम क्या करोगे. यहां से तो अभी भी हम फंसे से हुए हैं, करेक्ट. यहां तो अभी भी हम थोड़ा सा फंसे हुए हैं. सो कुड देयर बी एनी बेटर मेथड, क्योंकि इसको तो करके रेस टू पावर 30 अभी भी बहुत मुश्किल रहेगा. सो व्हाट एल्स कैन वी डू यहाँ पे. What else can we do यहाँ पे. देखो देखो, सोचो सोचो. अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे पोलर फॉर्म यूज करने की कोशिश करूँ, यानी कि -√3. ठीक है, इसका पहले मैं इसको अगर z1 मान लूँ, ठीक है, तो आपका मॉड z1 क्या होगा. आई गेस ये तो बच्चे देख ही सकते हैं. 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, सो 2 आ जाएगा, है ना. थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका. cos थीटा, r cos थीटा लिखते हो ना, तो 2 cos थीटा -1 है, यानी cos थीटा -1. या सीधा ही आर्ग्यूमेंट में यहाँ से लिख सकती हूँ, इतनी मेहनत क्यों करनी. दोस्तों आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला तो हमें आता है, tan इनवर्स ऑफ √3/1 जो π/3 है. लेकिन cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है. सो दिस विल बी, थीटा विल बी π - π/3. मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको बिल्कुल बदल रही हूँ. क्या, -1 प्लस दिस, ये एक्चुअली बन जाएगा 2 cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3. अब रेस टू पावर 30 है तो तुम तो समझ ही गए होगे. बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा डी मोइवर्स का भी हल्का हल्का सा ये नशा मिल जाएगा. ओके नीचे वाले को क्या करूं. अरे सेम ही करो ना, और क्या करोगे, सेम करो. यहाँ पे क्या होगा, मॉड, इसको मैं z2 लेती हूँ, तो मॉड z2 आपका √2 आ रहा है ना. आर्ग्यूमेंट ये z1 की थी, आर्ग्यूमेंट फॉर z2 क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ -1 मिल जाएगी. लेकिन इस बार cos पॉजिटिव है, sin नेगेटिव है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये -π/4 आ जाएगा. ओके सो ये आ जाएगा 2 ⁻³ cos -π/4, तो यही देगा, और प्लस आयोटा sin -π/4, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो ये चीज तो यार तुम्हारी सॉर्ट हो जाएगी, करेक्ट, ये चीज तो तुम्हारी लेकिन एक 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 गड़बड़ है, ये √2 raised to power 30 था, है ना। हाँ, यही आई थिंक बच्चे मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे, नेवर माइंड। सो ये 2 raised to power 30 हो जाएगा, ये 2 raised to power 15 हो जाएगा, यानी ऊपर तो 2 raised to power 15 ही बचेगा। वो बेटा सबके अंदर दे रखा है इसको छोड़ के। अच्छा, अब लेवल 2 पे जाते हैं, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा। अब चाहे तो यहाँ पे डिमॉइवर्स लगा दो, नहीं लगाना, अगर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हो तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, e⁴ π/3 है ना, e⁴ i(i) times 2π/3 एंड माइनस वो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर यहाँ पे सीधा इसको छोड़ो, डिमॉइवर्स ही लगा डालो। मैं क्या कहती हूँ दोस्तों, डिमॉइवर्स लगा दो तो cos 30 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, cos 20π प्लस आयोटा sin 20π, यहाँ 30 डालोगे तो 30π/4, समझ रहे हो, cos 15π/2 प्लस आयोटा sin 15π/2 प्लस नहीं सॉरी माइनस। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। 20π क्या है, अरे यार ये तो देखो ना, साइन ऑफ इसका पाई उसका पाई सबका 0 होता है, और ये इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 raised to power 15 अपॉन cos 15π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, इसने तो 0 बनना ही बनना है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक आयोटा की वैल्यू आएगी जिसको आप फिर रैशनलाइज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया, गंदा क्वेश्चन हो गया, बट कोई ना, नेहा मैम है तो सही तुम्हारे साथ। तुमको मैं इसके बाद एक ऑल्टरनेट मेथड भी बता दूंगी, यूलर फॉर्म को यूज करते हुए। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इफ यू सी, ये तो देखो, ये हमने बता दिया 1 होगा। अब यहाँ देखो, sin 15π/2 4π - π/4π 16π, अरे यार क्या कर रही हूं। देखो यहां पे मुझे इवेंचुअली π/2 चाहिए, तो 8π - π/2। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 8π मतलब 4 फुल सर्कल लेके 4th क्वाड्रेंट, तो माइनस sin π/2, यानी कि ये आपको क्या दे रहा है, माइनस sin π/2 विच इज माइनस आयोटा। आप इसे बस रैशनलाइज करोगे, माइनस भूल जाओ, ऐसे ही रैशनलाइज कर दो, आपका वो एडजस्ट हो जाएगा। 2 raised to power 15 आयोटा, बी आंसर आ जाएगा, 2 raised to power 15 आयोटा। लेकिन एक 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 नेगेटिव साइन यहाँ पे है, ऑलरेडी है, हाँ, तो ये सॉरी ये नहीं, ये सी आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आपने यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिख दिया कि यहाँ पे मैंने जो आपको पूरा स्टेप सिखाया था, आपने एक बार ही कन्वर्ट किया जब इसको पोलर फॉर्म में, फिर यूलर में कर दिया। यूलर क्या होता है, ऐसे बताता है ना, इसको भी कर दिया यूलर में, ठीक है। अब आपस में डिवाइड करके आप इन्हें ऊपर ले गए, एक ही सिंगल पावर आपने बना दी, और फिर उसके बाद आपने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया। तो चॉइस आपकी है, मुझे पोलर फॉर्म से ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तुम्हें यूलर करना है, यूलर कर लो। मतलब क्या है ना, ये डिवाइड करोगे तुम, 2 अपॉन √2 तो यार चल जाएगा अपना, e₂ π/3 है ना, एंड ये प्लस π/4 आयोटा। आप इसका एलसीएम ले लोगे तो ये e⁻¹², समझो ना आप, 8π + 3π। ओके, इस तरह से आपको एलसीएम लेके यू विल गेट दिस, 8π + 3π 11π/4, जिसको 11π/4 के साथ फिर इन्होंने डिमॉइवर्स लगाया है। खतरनाक सवाल, मर्जी आपकी है, मेरे को तो पोलर वाला सही लगा। ठीक है जी, बड़ा शॉर्टकट तो वहाँ लगाएंगे ना जहाँ यूज हो रहा होगा। चलिए, एनटी का एक सवाल आया है दोस्तों, देखिए जरा कितने बच्चे इसको उड़ाते हैं, कितने बच्चे इसको उड़ा पाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। A and B आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ये दे रखा है, n इज अ नेचुरल नंबर, देन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू क्या। अच्छा, हाँ, n इज अ नेचुरल नंबर, तो फिलहाल अगर मैं इसे एक्सपैंड करूँ, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस ab³ माइनस 107i। ओके, अभी रियल एंड इमेजिनरी को एक साथ कर देते हैं। सो दिस इज a क्यूब एंड यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर है ना, तो माइनस 1 हो जाएगा। सो माइनस 3ab² एंड फिर आयोटा के साथ क्या हो रहा है, दिस इज माइनस 3a²b। फिर बजी घंटी, तुमने मारी घंटी और दिल में हुई एंट्री, और टंग टंग टंग। उल्टा होता है मुझे पता है, पर तुम समझ गए ना। तो ये आ जाएगा माइनस b³, ये आ जाएगा माइनस 107। अब इसने कहा है कि दिस इज इवेंचुअली अ नेचुरल नंबर। इसके कहने का मतलब क्या है कि ये नेचुरल नंबर, आप ही बताओ कब होगा। इसका मतलब क्या है भैया, नेचुरल है तो यानी रियल है, रियल है तो मतलब इमेजिनरी पार्ट को तो जल्दी से ज़ीरो करने का। सो 3a² b प्लस b³ प्लस 107 तुम्हारा शून्य हो जाना चाहिए। अब वैल्यू a की निकालनी है ना, वैल्यू हमने a की निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 3a²b, ये देख लो, ये सारे नेगेटिव है ना, अरे सारे ही नेगेटिव हैं, हाँ सही है, सारे ही नेगेटिव है। 3a² b माइनस b³ माइनस 3a²b, अरे ये प्लस था यार, ये तो प्लस ही होगा ना, a प्लस आयोटा b³ कर रहा है, सही है सही है सही है। तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसको इमेजिनरी पार्ट जीरो मतलब b³ प्लस 107 इज इक्वल टू a स्क्वायर में यहाँ ले लूँ तो 3b। ठीक है, अब आपको यहां से देख के साफ पता चल रहा है कि a की वैल्यू भी एक नेचुरल नंबर आ रही है। तो हम क्या करें, क्या वैल्यू हो सकती है a की। मैं इसको अगर डिवाइड करूं, दिस इज b² 3 प्लस 107/3b इक्वल टू a²। अब जरा ध्यान से देखो, b² शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड ये चीज शुड ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 3, तभी आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा। यस और नो। तो उसके लिए मैं क्या वैल्यू ले सकती हूँ, मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए, चलो ये सब भी अलग भी मत करो, बस ऐसे ही रहने दो। b³ सबसे छोटा, क्या मैं ऐसा ले सकती हूँ, क्या मैं इसको 1 ले सकती हूँ, 108 डिविजिबल होगा ना 3 से, तो अगर मैं b को 1 ले लूँ तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो 108/3 कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, 36। तो a तुम्हारा 6 है। अगर आप देखो 107 को मल्टीपल ऑफ 3 बनाने के लिए मिनिमम जो लगता है वो 1 लगेगा। आप कोई a एंड b पॉजिटिव इंटीजर है, उसने ये भी बोला, आप कोई बड़ा वाला भी डाल के देख लो, इवेंचुअली आपका वन ऑफ द ऑप्शंस आना चाहिए। ठीक है, तो a आपका सीधा सीधा 6 आ गया है। तो थोड़ा दिमाग तो लगाया है, अब देखो क्या आया है। यहाँ पे देखो, कम ऑन माय आर्मी, लेट्स सी दिस। चलो 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 बचो, चलो जी, चलो 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 चो बचो, चलो जी। क्या होगा यहाँ पे, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। तो एक चीज तो मुझे समझ में आती है ना, मैंने कुछ भी करना है तो यहाँ पे इसको रैशनलाइज तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो 3 + 2 आयोटा sin θ/1 - 2 आयोटा sin θ, और इनटू यही काम इधर हो रहा है दोस्तों। एंड याद रखना कि प्योरली इमेजिनरी है, मतलब रियल पार्ट को आपने जीरो करना है। सो शुड आई फोकस ऑन इमेजिनरी पार्ट, ना रियल पार्ट पे फोकस करो क्योंकि इमेजिनरी है नंबर। सो मैं क्या करूँगी, इनफैक्ट मेरे को डिनोमिनेटर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल ओनली फोकस ऑन द रियल पार्ट। तो 3 हो जाएगा। अब 6 आयोटा sin θ छोड़ दो, इसको देखो, दिस इज 4 आयोटा स्क्वायर जो -4 sin²θ। बस इतनी सी बात है, छोटा सवाल है। अब सारे के सारे आंसर तुम देख लो यहाँ पे, प्लस माइनस रूट 3/2 होगा। अब आप ही देख लो यार कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। π/3 है ना, अगर पॉजिटिव लूँ तो π/3 है जिसका ऑप्शन ही नहीं है। साइन थीटा नेगेटिव लूँ -√3/2 वो होगा आपका थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यानी या तो पाई प्लस π/3 होगा, पाई प्लस π/3 भी नहीं है। एक मिनट, साइन थीटा आपका ±√3/2 नहीं, अच्छा प्लस में 2π/3 भी तो हो सकता है, दोनों क्वाड्रेंट हो सकते हैं ना। साइन थीटा पॉजिटिव मतलब फर्स्ट या सेकेंड, तो यानी π/3 या π-π/3, तो ऑप्शन मिल गया अपने को 2π/3। डन और नॉट डन? अरे डन आर डन या नॉट डन आर डन। एनीवे सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मुझे निकालने हैं। बाय द वे अभी पिक्चर बाकी है, रुक जाओ। यहाँ पे आपको पूछा क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी आपको वैल्यू -π/2 से पाई के बीच में खोजनी है, 0 से 2π में नहीं। ओके सो -π/2 से पाई, तो π/2 यहाँ होता है तो -π/2 से पाई ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है। तो इसके अंदर मुझे क्या क्या रूट्स मिलने वाले हैं जरा ध्यान से देख लो। वॉट ऑल रूट्स एम आई गोइंग टू गेट। ओके तो सबसे पहले तो यार आप देखो, अगर साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है तो आपको π/3 भी मिलेगा और 2π/3 भी मिलेगा, करेक्ट, दोनों मिलेंगे। अगर मैं फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट लूँ सो आई विल गेट π/3 एंड 2π/3। मैं अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आती हूँ, वो नेगेटिव के साथ चलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, -π/3। तो सम ऑफ ऑल क्या होगा, अच्छा आंसर तब भी 2π/3 ही आ रहा है। वाह क्या कोइंसिडेंस था, बट एनीवे लॉजिक सही नहीं था उसका, अब सही है। ठीक है, गॉट इट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपका 2019 का है ये। Let's see how many of you can kill this, guys. क्या हो रहा है यहाँ पे? If alpha and beta be the roots of this equation, then the least value of n क्या है? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स होंगे क्या? देखो एक तो मुझे दिख रहा है x² - 2x + 1 प्लस दूसरा वाला 1 उधर ले जाओ वो -1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा x - 1² = iota²। x - 1 = ± iota। तो रूट क्या बन रहे हैं, x = 1 ± iota। बहुत बढ़िया। एक को अल्फा को ले लो 1 + iota, बीटा को ले लो 1 - iota। वैसे आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकालना चाहो उससे भी निकाल लो, मुझे इससे ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। अब उसने बोला अल्फा अपॉन बीटा, अरे 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 ओहो। वैसे एक बात आपको बता दूं, इसको ना आप रट लो, चाहे तो आप इसे रैशनलाइज करोगे ना आपके पास आयोटा ही आने वाला है। एंड इसकी मिनिमम वैल्यू यार 4 होती है, सबको पता है। मतलब करके देखना है, कर लो। नेहा मैम पे नहीं विश्वास तो ये लोग कर लो। 1 + iota ना, 1 - iota 1 + iota, ये क्या आ जाएगा 1 + iota²। सो 1² + iota² आपस में कट जाएंगे, 2 iota और नीचे 2 बचेगा। तो आप इसको ना बेस्ट है याद ही कर लो, 1 + iota upon 1 - iota रैशनलाइज करके iota देता है, और उल्टा होगा तो वो -iota देता है। तो बस यार ये तो क्वेश्चन झिंगूर निकला, मतलब बहुत ही सिंपल निकला यार। क्या यार है ना। चलो गुड। ओके, एनटीए अभ्यास ऐप का एक और सवाल। मैं एक बार यार बच्चों से फिर से बोलूँगी कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ उसे अंत तक ज़रूर देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई मुश्किल सवाल इनिशियली होंगे या आसान वाले होंगे। मतलब एक आपको प्रॉपर बैलेंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस तभी मिलता है जब आप पूरा सेशन देते हो। ठीक है, आप अगर देखना चाहते हो तो रिकॉर्डेड पे देख लेना 2x में, बट दी आइडिया इज जब भी देखो पूरा देखो, क्योंकि आधी अधूरी कहानी, वो कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। ओके So this has been given to me the number of ordered pairs कितने possible हैं। So I guess मैं एक चीज़ करने वाली हूँ इसके अंदर, which is first equating real parts, जो हो जाएगा x raised to power 4 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो 4. ओके, एंड इमेजिनरी पार्ट्स को हम इक्वेट कर दें तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2y. ओ जी क्या बात है, यहाँ से x निकालोगे, यहाँ से y निकालोगे और दोनों में, बट काफ़ी तगड़ी पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो बाय क्वाड्रेटिक आ गई है. बट अगर मैं एक्स स्क्वायर को t ले लूँ जस्ट फॉर सिंपलर कैलकुलेशन, और तो क्या ही करोगे इससे आप. t माइनस 4 एंड t प्लस 1 सबको ये दिख रहा है ना, यानी एक्स स्क्वायर 4 होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा. इससे दो बातें होंगी, या तो आपका x प्लस माइनस 2 होगा या आपका x प्लस माइनस आयोटा होगा. तो दोनों ही चीज़ें लेके देख लेते हैं ना क्या हो रहा है. ओके लेकिन इसने ये चीज़ बोल दी है, वेरी इंपॉर्टेंट, x एंड y रियल नंबर है, तो ये दोनों गए, यही ये है. अब अगर x 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2y. तो वाई गैस इसको, तो अब 3y इक्वल टू आप 9, यानी y 3 आ जाएगा. तो एक ऑर्डर्ड पेयर तो अपना आ गया 2,3. मेरे को एनीवे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं, सो आई गेस वो तो पता चल चुका होगा कि 2 ही निकलेंगे. एक 2,3 होगा एंड दूसरा -2 के साथ जो भी आएगा वो लिख लेना, बेसिकली ये रिजेक्ट हो जाएगा. लेकिन अगर ये कंडीशन ना दी होती तो फिर आपके 4 ऑर्डर पेयर बनते, है ना. खैर उसकी ऑप्शन ही नहीं दी इन्होंने आपको, मतलब हाँ ये तो आ गया. मतलब ऐसा नहीं लगता 2019-20 का सवाल देख लो तो अच्छे दिन आ गए हैं अपने. अरे यहाँ पे तो ऐसा लगता है अपनी लुटिया ही डूब गई. चलो कोई नहीं. एनटीए पेपर का एक और क्वेश्चन, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे. मतलब कैसे सॉल्व करोगे. देखो एक तरीका है रैशनलाइज, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो ये 3 प्लस आयोटा, ये 3 माइनस आयोटा है, तो एक तरीके से एलसीएम लेना ही हो गया ना. मतलब आप इससे ऊपर नीचे 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, इससे 3 माइनस आयोटा से, सो इट्स द सेम एज टेकिंग द एलसीएम ओनली, राइट. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 प्लस आयोटा इंटू 3 तो 9 प्लस 1 10 आ जाएगा. ओ भाई साहब तगड़ी वाली कैलकुलेशन होगी. 3 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ओके, प्लस 2 माइनस 3 आयोटा वाई इंटू 3 प्लस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा. दिस इज व्हाट आई हैव. यस, ये सॉर्टेड है. Yes or no? बढ़िया बात है ना, बढ़िया बात. ओके तो अब देखो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप ये देख लो रियल पार्ट एंड ये इक्वल टू, यार मैं क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर देती हूँ, 10 आयोटा हो जाएगा. ओके जी, अब क्या करें. अब भयंकर तो है, बट यही है कि यार इसको सॉल्व करके आप, मेरे ख्याल से मैं इसको स्किप कर देती हूँ क्योंकि इसकी जगह आपको प्रोसीजर तो पता ही है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को करोगे. आई थिंक ये कर लेंगे बच्चे, इसमें कुछ है नहीं. मतलब कैलकुलेशन तगड़ी है लेकिन उसके अलावा कुछ है नहीं, सो आई शुड रादर स्पेंड मोर टाइम इन सॉल्विंग क्वेश्चंस जो थोड़े अलग हैं, है ना. सो ये या ये सब करते करते इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इवेंचुअली x3 और y-1 मिल जाएगा मुझे, x3 एंड y-1. तो इसको आप कर सकते हो अपने एक होमवर्क की तरह कर लो या जैसे भी. चलिए नाउ बिफोर आई बिगिन विद दिस, आई गेस एक छोटा सा ब्रेक बनता है. यस और नो, एक छोटा सा ब्रेक ले एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट, है ना. तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड मैं फिर ऑफ कोर्स आपको मिलती हूँ. एंड कितना दें, 5 मिनट ले लें, 5 मिनट. चलिए 6 ले लेते हैं और हम ये कर देते हैं, सेशन बिगिंस इन, इसकी मैंने साउंड तो नहीं बंद कर रखी. हाँ तभी मुझे घंटी सुनाई नहीं देती, तभी मुझे घंटी सुनाई नहीं देती. बहाना नहीं है बेटा, सच बोल रही हूँ. ओके सो अरे फंस गया. चलो सी यू गाइस फाइनली स्टार्ट अगेन. वन Hey Arvi, I'm back. भागो. Hi, I'm back. देख लो, आज सिर्फ 15-20 सेकेंड ऊपर किए, ज़्यादा नहीं है ना। चलो एवरीबडी एक बार वी आर बैक लिख दो ताकि हम फटाफट से सवाल स्टार्ट कर दें। यस चलो, जब तक आप लिख रहे हो लेट्स गो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एनटीए अभ्यास पेपर का, जैसे हमें दिख ही रहा है। फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस, यानी कि एक चीज तो मुझे चमकती है कि इसके अंदर तीनों चीजें यूज करी है, तो आप z को कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, है ना। वैसे मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगी, लेकिन अभी लेट्स से आपने बोल दिया z ये है, ओके तो z कॉन्जुगेट भी हमको समझ में आता है और मॉड z तो वैसे ही समझ में आता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर वैल्यू डालो x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर प्लस मॉड z यानी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। क्या बात है, देखो करना तो तुमने इक्वेट ही है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। तो इसको मैं ओपन करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x आयोटा वाई। सुपर्ब यार, ये सब तो खटर फटर हो गया है ना। एंड ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x आयोटा वाई। उधर ले जाऊं तो इनफैक्ट द बेस्ट विल बी जस्ट स्क्वायर बोथ साइड्स। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब नेगेटिव दे देगा मुझे वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऑल राइट, अब इसको यार मुझे सॉल्व करना है एंड आई हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस। ओहो, दो आपके वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन है एक। क्या करें अब इसके अंदर, और मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि x प्लस आयोटा वाले। भैया हम तो यहाँ फंस गए काफ़ी बुरी तरह से, आप देख रहे हो ना। लाइक मैंने इसको क्या किया, इसे यहीं रिटेन किया, इसको इस तरफ ले गई एंड यू गाइस कैन नाउ सी कि यार यहाँ पे तो हम फंस गए। वैसे एक चीज़ है, अगर आप देखो आप यहाँ देखो, थोड़ा सा एक इंडिकेशन हमको मिल रहा है। वो क्या है कि यार ये रियल पार्ट है एंड ये इमेजिनरी पार्ट है। एक तरीके से मैंने बोल दिया रियल पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, ऐसा कब होता है? मतलब आप समझ रहे हो, जब x और y दोनों ही जीरो हो जाए। अदरवाइज ऐसा कब होगा? रियल पार्ट एंड यहाँ पे इट इज इक्वल टू एक, मैं ये कह रही हूँ कि रियल नंबर एक इमेजिनरी, प्योरली में इमेजिनरी नंबर के बराबर आ जाए, ऐसे केस में तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीरो ही होंगे। समझ में आ रहा है ना, एक फील आ रही है। समझ कर एक ऑल्टरनेट रूट भी लूंगी, बट आई गेस ये भी बच्चों को चमका होगा। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दिस देखो और क्या कर सकती हूं मैं। तो ये तो था आपका डायरेक्ट रूट जो आप लेके अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। दूसरी रूट क्या हो सकती है? सपोज मैं इसको यार कोई इक्वेशन 1 मान लूं और मैं बोलूं यार इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम, ओके टेकिंग कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा दिस थिंग प्लस दिस थिंग, क्योंकि मॉड z कॉन्जुगेट या z कॉन्जुगेट मॉड एक ही बात है। z कॉन्जुगेट तो ये z स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं अगर इन्हें आपस में क्या किया जाए, ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, व्हाट शुड आई डू? ये आपका आ रहा है एंड इनफैक्ट ये जो चीज़ है बेटा ये आपका सेम एज मॉड z है। तो यहाँ z कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस मॉड z इक्वल टू, मैं ये z स्क्वायर सीधा सीधा बोल सकती हूँ। इफ आई लेट्स से ऐड देम या सब्ट्रैक्ट देम, यहाँ पे देखो अगर मैं बोलती हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर देती हूँ, व्हाट विल आई गेट, z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर। ओके यहाँ पे आ जाएगा 2 मॉड z इज इक्वल टू, फील आ रही है इसको और इसको ऐड करने की। ये दोनों चीज भाई साहब कट जाएंगे, 2 मॉड जेड इज जीरो। मॉड जेड किसी चीज का कब जीरो होगा? जब नंबर अपने आप में ही जीरो है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, है ही नहीं कुछ, जीरो। यस, तो जैसे मर्जी आप करो, यहाँ पे जेड सीधा सीधा जीरो आ रहा है। गॉट इट? तो आपको पहला मेथड अच्छा लगा या दूसरा, वो आप डिसाइड कर सकते हो। ऑल राइट, बेसिस दैट यहाँ पर एक अनदर इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा देखें तो सही क्या होने वाला है इसका आंसर। देखें तो सही क्या है इसका आंसर। लेट्स सी, लेट्स सी, ये क्या कह रहा है? ये चीज हमें दे रखी है, देन मॉड जेड इज इक्वल टू क्या? तो आई थिंक आई कैन डायरेक्टली प्लग इन वैल्यूज यहाँ। तो बस रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी खेलोगे और तुम्हारी गेम पक्की। यहाँ पे क्या होगा? रूट एक्स प्लस आयोटा वाई, ओके, मॉड है यहाँ पे। ऑल राइट, ऑल राइट। अरे यार, मॉड ले रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप नेहा मैम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। अगर मैंने एक्स को ये ले लिया, मैंने जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई ले लिया। नाउ इफ आई इक्वेट द रियल पार्ट्स, एंड इफ आई इक्वेट द इमेजिनरी पार्ट्स, तो इमेजिनरी से तो सीधा ही सीधा आ गया। बस बताओ, ये इसे कहते थे अच्छे दिन, 2019 के सवाल। तो ये क्या आ जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, या ये 9 आ रहा है। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक्स इज 3। सो आई गेस ये हमें पता ही है। आप इसको यहाँ करके इस एक्स को राइट साइड पे ले जाओ, होल स्क्वायर कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 बोलो, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ये लोग तो कर चुके हैं, एक्स 0 आ चुका है ना। तो आपका क्या पूछा? लेट देन मॉड जेड क्या होगा? देन मॉड जेड क्या होगा? इसके अंदर हमने अच्छे दिन के चक्कर में कुछ मिस तो नहीं कर दिया? अच्छे दिन के चक्कर में भाई कुछ मिस तो नहीं कर दिया? एक मिनट, y इक्वल टू 3, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 1 आ रहा है यार। एक मिनट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। ये तो रियल पार्ट सॉर्टेड था, अब इमेजिनरी पार्ट में भी हम कर सकते हैं इक्वेट रादर देन डूइंग ऑल दिस। लेकिन y सबका 3 आ रहा है, एक बार चेक करिए, y सबका 3 आ रहा है, यस और नो? हाँ, यहाँ पे क्या हुआ है? मॉड z प्लस एक कंपेयर करो, एक मिनट। रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। अरे वाई तो अभी आया ही नहीं था, रुक जाओ, बहुत जल्दी कर दी। इमेजिनरी पार्ट अभी हम निकालेंगे बाय इक्वेटिंग देम, करेक्ट? इमेजिनरी भी यहाँ से निकाल देते हैं बाय इक्वेटिंग देम। तो यहाँ से वाई आपका 1 आ रहा था। हाँ, बच्चे यहाँ पे शोर मचा भी रहे हैं, बट नेहा मैम अपनी ही धुन में है, ये कह के कि ओ माय गॉड द क्वेश्चन इज सो सिंपल, और सिंपल में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। एनीवे, सो ये आ जाएगा। अब सब्सटीट्यूट करूँ तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इसको सीधा ही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। जब स्क्वायर कर दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 8। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 9, एंड तो ये 4/3 आ जाएगा, एक्स 4/3। हाँ, अब भी मज़ा आएगा ना बीडू। अब आपका z निकल चुका है, इट इज़ 4/3 प्लस आयोटा। तो आप मॉड z ले लोगे बड़े आराम से। 4/3 का होल स्क्वायर 16/9 प्लस 1, 16 प्लस 9 25, तो 5/3। बी इज़ द आंसर, यस? सुपर, बी इज द आंसर, यस। ओके, एनटीए अभ्यास का एक सवाल है आप लोग के लिए, लेट्स सी। लेट्स सी इसको क्या करेंगे. इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स sin x plus iota cos 2x and cos x minus iota sin 2x are conjugate of each other. Oh, then the number of values of x in the interval is equal to kya? Complex numbers this and this are conjugate of each other. समझ रहे हो? जैसे इसका मैंने conjugate लिया. Let's say ये z1 है ना, z1 है sin x plus iota cos 2x. इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया तो ये हो गया साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस टू एक्स. ठीक है, अब मैंने कहा और यहाँ पे मैं आराम से प्रॉपर स्टेप वाइज कर रही हूँ. कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन टू एक्स. अब जेड टू का कॉन्जुगेट क्या है? कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन टू एक्स. ठीक है जी, ओके. अब आप यहाँ पे देख रहे हो Z1 इज इक्वल टू Z2 कॉन्जुगेट, करेक्ट. तो Z1 यानी कि साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस टू एक्स इज इक्वल टू Z2 कॉन्जुगेट. है ना. और अगर मैं उल्टा करूं, जैसे कि मैं बोलूं Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू वो, तो वहां से भी सेम ही चीज आ रही है तुम्हारी. तो किसी भी एक को यूज कर लो. Equating real parts, I'll get sin x equal to cos x यानी tan x 1 है. अब इंटरवल देखो कितना बड़ा लेना है, 4 क्वाड्रेंट्स लेने हैं. तो यानी यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी और इनको अगर कर लूँ तो ये भी cos 2x equal to sin 2x यानी tan 2x equal to 1 है. अब आपको इसकी वैल्यू देखनी है 2x की, है ना. 2x की यहाँ से वैल्यू आएगी, आपको x की वैल्यू इवेंचुअली देखनी है. ठीक है, तो अब यहां से क्या आएगा, अब यहां से क्या आएगा जरा देखें आपका. यानी कि अब आपको इवेंचुअली ये चीज फिगर आउट करनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल. सो एक बार अगर मैं इफ आई गो स्लो एंड इसको दोबारा से लिखूं, दिस इज कॉस टू एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स. बड़े आराम से करना, डू नॉट जम्प एनी कंक्लूजन विदाउट सॉल्विंग. मतलब किसी भी ऐसे कंक्लूजन पे मत कूद जाना. ठीक है जी, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स तो सही आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है. लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स. तो यहाँ से कैसे करने वाले हो? अगर सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ एंड आई से दिस इज लेट्स से 2 cos square x minus 1 is equal to 2 sin x cos x. करेक्ट, इस तरह से कर सकती हूँ मैं. इससे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 2 cos square x minus 1 is equal to 2, यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी. अब मेरे को ये पता है कि दोनों का साइमल्टेनियसली सॉल्व होना चाहिए. तो मुझे पता है sin x एंड cos x बराबर है. लेट मी चेंज द कलर हियर. साइन एक्स एंड कॉस एक्स बराबर है, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूँ तो आई विल गेट 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स. यार ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, ये दोनों कट के माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल. अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ से हमने दो वैल्यूज़ निकाल ली, यहाँ की बात कर रहे थे. लेकिन हमें कहा गया था दैन द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल. तो अगर मैं टोटल वहाँ यहाँ से निकालूंगी कॉमन, मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला एंड आई विल गेट दिस. तो डायरेक्टली यहीं से आप आंसर निकाल सकते हो. तो आंसर विल बी 0 इन दिस केस. समझ में आ रहा है, एक अलग से अप्रोच है. आंसर विल बी 0 इन दिस केस. गॉट इट? ठीक है, चलिए ओके. सो इसका तो आंसर 0 आ चुका है. लेट्स मूव टू अनदर अलग सा सवाल, सेंगेज बुक से है. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू दिस. कम ऑन माय आर्मी, लेट्स गो फॉर दिस. लेट्स सी. क्या कह रहा है, x मेरा ये दे रखा है, y इज गिवन टू बी दिस, z भी कुछ कुछ दिया हुआ है. आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस वाई जेड इज क्या? ओके तो यहाँ पे अगर आप देखो x इज 9 रेज टू पार 1 बाई 3, 9 रेज टू पार 1 बाई 9, 9 रेज टू पार 1 बाई 27 ब्ला ब्ला, ये तो आपको यार एक इनफाइनाइट क्या जीपी लग रही है, क्या लग रहा है? यस और नो? ये क्या फील हो रही है? अरे अरे यार एक मिनट, हाँ हाँ जी, ये एक जीपी जैसी फीलिंग आ रही है क्योंकि मैं इसको, आप पहले यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिख लूँ तो आपको यहाँ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी मिल रहा है जो कि हो जाएगा a upon 1 minus r, करेक्ट? सो विच विल बी सीधा सीधा 2 बाई 3 है ना, विच विल बी रूट 9 यानी कि 3। तो x मुझे 3 मिल चुका है। उसी तरह से जरा y के लिए भी घोड़े दौड़ाओ दिमाग के, y क्या आएगा? y भी बहुत ही सिमिलर लीग में तुम्हें दिख रहा होगा। 4 1 बाई 3, ये प्लस है कि माइनस है या ये कुछ टाइपो है? आई थिंक इट शुड बी, अच्छा चलो अगर माइनस लेके चल रहे हैं ऐसे करके फिर आगे नेगेटिव होगा एंड ऑल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या बन जाएगा? 4 रेज टू पार a 1 माइनस r, तो 1 माइनस -1 बाई r। सो थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है बट नेवरदलेस दिस विल बी 3 प्लस 1, सो 4 बाई 3। ओके, सो ये आपका 4 रेज टू पार 1 बाई 4 बन रहा है। ओ माय गॉड, 2 स्क्वायर इनटू 1 बाई 4 यानी कि ये आपका √2 बन रहा है। तो एक बार ये सबके सब चेक करो, y √2 है, इसको बहुत ध्यान से देखना यार, ये माइनस दे रखा है, ठीक है? इसको प्लस ले लिया तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा अपना। ये हो गया, आई होप आई कैन इरेज दिस। सो x अपना 3 है, y अपना √2 है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू z। तो z क्या कह रहा है? सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 प्लस आयोटा रेज टू पार माइनस r। ओह अद्भुत, ये तो कुछ अलग है ना, ये तो कुछ अलग है, अलग। एनीवे तो इसमें वैल्यूज डालते हैं। तो पहले 1 डाला तो 1 प्लस आयोटा रेज टू पार माइनस 1 प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पार माइनस 2 प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पार माइनस 3। तुमको समझ में आ रहा होगा। इन शॉर्ट अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, इस तरह से, मतलब ऐसे डिनोमिनेटर में ले के आई थिंक एक बेटर फील आती है हमें, ठीक है? सो ये क्या आ जाएगा? a upon 1 माइनस r। नाउ इफ आई सॉल्व दिस, क्या मिलने वाला है मुझे? 1 upon 1 प्लस आयोटा, ये तो जाएगा ही 1 प्लस आयोटा माइनस 1, ये आयोटा 1 बाय आयोटा जो मुझे माइनस आयोटा दे देगा। कितनी बार तो रैशनलाइज कर लिया, यानी क्वेश्चन आसान है लेकिन लेंदी है। तो ये सब अगर मैं हटा दूं, x 3 है, y √2 है एंड z माइनस आयोटा है। x 3 है, y √2 है, z माइनस आयोटा एंड x प्लस y z क्या होगा? दिस विल बिकम 3 प्लस 3 माइनस √2 आयोटा। इसका आर्ग्यूमेंट भाई साहब, इसका आर्ग्यूमेंट पता करने के लिए तुमने जान ले ली हमारी, कोई बात नहीं। आर्ग्यूमेंट ऑफ, यार इसको p बुला देती हूँ, राइट, विच विल बी tan इनवर्स ऑफ -√2 बाई 3। अब जरा देखने वाली बात है कि क्या मेरा आंसर इनमें से मैच कौन सा करवाऊं मैं? क्या मैं सीधा इसको बाहर निकाल दूं? क्या मैं इसको π- लिखूं? व्हाट शुड आई डू? अब सारी गेम क्वाड्रेंट की है। तो क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे? कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, ठीक है? कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, ऐसा 4th क्वाड्रेंट में होता है दोस्तों। तो 4th क्वाड्रेंट के लिए जनाब नेगेटिव साइन को ही बाहर लाएंगे आप। तो डी इज द आंसर। वाओ, आई लव द क्वेश्चन यार, कितना हटके सा नहीं था, मजेदार नहीं था कि मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी बनवाने के लिए वो मेहनत करवा रहे हैं। ओके, सो दिस इज सॉर्टेड। चलिए आइए 2022 का एक मजेदार सवाल. लेट्स गो फॉर दिस माय आर्मी. ओके, ये क्वेश्चन 2 क्यों आया है यहाँ पे? ओके, लेट्स गो. इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड z रेज टू पावर 5 + z कॉन्जुगेट. मतलब आप खुद से सोच लो 2022 का एक कैसा सवाल था बच्चा, कैसा सवाल था मुन्ना. z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो z रेज टू पावर 5 के लिए मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पे बाइनोमियल लगाऊं या कोई और दिमाग लगाऊं? दिमाग लगाऊं कि बाइनोमियल लगाऊं? बताओ मुझे. आप दोनों लगा सकते हो, मतलब बाइनोमियल वाला दिमाग भी लगा सकते हो. कैसे? यहाँ पे देखो z कॉन्जुगेट 5. अब ये चाहो तो ये आप बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन भी इसको फील कर सकते हो. किस लिए बता रही हूँ मैं? देखो नॉर्मली अगर आपको ये करना होता है तो मैं आपको बोलती 100% आप पोलर फॉर्म में चेंज करके करो, लेकिन यहाँ पे एक बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी तुम्हारी यूज हो रही है बाइनोमियल की. क्या? a + iota b + a - iota b पावर्स के ऊपर है. तो आपको पता है ना, इवन पॉजिटिव यानी ट्वाइस ऑफ इवन, मतलब जिनके इवन सब्सक्रिप्ट होंगे वो यहाँ पे बचेंगे. इवन पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है. ऑड तब आते जब वो होता. समझ तो तुम गए हो यार, बुद्धू मत बनो. दिस विल बी 2 ^ 2 ^ 3 एंड 3 आयोटा रेज टू पावर 2. ओके, फिर 5c4 आएगा एंड यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3 आयोटा रेज टू पावर 4 आएगा. तो एक तो यार आपको आंसर यहीं से डायरेक्टली मिल जाएगा. आई गेस मेजॉरिटी जनता कुछ ऐसा ही कर रही होगी, है ना. बस आप इसको अब सिंप्लीफाई कर लेना एंड यू विल गेट योर आंसर. दूसरा तरीका क्या होता है? 2 + 3 आयोटा को पोलर फॉर्म में करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली यहाँ से आप फिर आपका टैन इनवर्स 3/2 आता, जो एक ऐसा नोन एंगल नहीं है. सो द बेस्ट वे विल बी, तो मतलब देख रहे हो ये धोखेबाज है. ये क्वेश्चन क्या है? दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे, ये क्वेश्चन बड़ा दगाबाज रे. क्योंकि यार तुमको बोला था कि वो कॉम्प्लेक्स का है और एक्चुअली निकला ये. तो बस यहाँ यही चीज़ें लिखी हैं, इनको आप एक्सपैंड वगैरह करोगे. देखो आयोटा स्क्वायर वैसे ही -1 दे देगा, आयोटा 4 1 दे देगा, करते करते 244 आंसर आ जाएगा. ठीक है, शैतान था बहुत ही सवाल. चलिए, एक और शैतानियत के साथ दूसरा क्वेश्चन आया. कौन आया? क्वेश्चन आया. अरे मुन्ना, क्वेश्चन आया रे. चलिए, लेट्स गो आमी. लेट्स z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आपको बेसिकली ये दोनों चीज़ बराबर दी हुई हैं. ओके, एंड मॉड z इज 5/2 एंड यू हैव टू फिगर दिस आउट. ओ वाओ, क्या करें इसको? अगर मैं x + iota y कह दूँ, मैं अगर कहूँ तुम साहसी, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी, देखो सेम अगर मैं ले लूँ तो x² + y - 1 हो स्क्वायर. मैं क्या कर रही हूँ? मैं मॉड भी साथ ले रही हूँ और स्क्वायर भी मन में ही कर दिया मैंने. x² + y + 2 होल स्क्वायर. सुपर भैया, एक्स स्क्वायर तो तुम्हारा कट ही रहा है, तो y² + 1 - 2y = y² + 4 + 4y. 6y = -3, तो y - 1/2 आ रहा है कि नहीं दोस्तों? एक बार ये चेक करो, y - 1/2 आ रहा है सबके पास. एंड y अगर -1/2 आ रहा है, सो इन दैट केस एक ये चीज़ है विच आई हैवेंट यूज येट. सो z क्या हो जाएगा? मतलब इसका मैं मॉड ले लूँ और स्क्वायर कर दूँ, तो x² + y² इज 25/4. तो x² आ जाएगा 25/4 एंड दिस विल बी -1/4. तो x² इज 6. नाइस. सो x आपका ± √6 आएगा. कुछ दे तो नहीं रखा, कोई बात नहीं. यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉड इसका लेने चलेंगे. अब हम रंग बदल लेते हैं, तो दिस विल बी x plus iota y, which will be plus minus root 6 minus half y plus 3 iota. aha, y क्यों लिखा मैंने? अरे y क्यों लिखा? आयोटा लिखना था, y लिख दिया, बताइए। अच्छा, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि दिस विल बी स्टिल 6 एंड दिस विल बी 3 minus 1 by 2, विच विल 3 minus 1 by 2 जो आपका 5 by 2 दे देगा, तो 49 क्योंकि 24 plus 25, 49 by 4, 7 by 2. गॉट इट? अरे जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो ना, आंसर रह गया है क्या? जल्दी से समझा दो ना। डन डन, दिस इज एब्सोल्युटली सॉर्टेड। लीजिए जी, एनटीए पेपर 1 का एक मजेदार क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। धदंग धदंग पदंग, ओहो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सवाल। ठीक है जी, चलिए चलिए अभी इसको करते हैं। हाउ विल वी सॉल्व दिस वन? देखो जरा ध्यान से। आई होप हमको ट्राइंगल इनइक्वालिटी याद है। यस, विच टेल्स अस क्या? mod z1 plus z2 is greater than equal to, अगर मैं नेगेटिव वाले उसमें करूँ तो mod of z1 minus ये पूरा आ जाता है। यस, ओके, तो इस केस में यानी अगर ये चीज़ मुझे दी हुई है, आई कैन ऑलवेज से mod z minus 1 by z। ओके, तो यानी mod z मुझे 3 दिया हुआ है, माइनस यहाँ 1 by 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे सीधा सीधा 8 by 3 मिल रहा है कि mod of this will be 8 by 3। आई गेस सॉर्टेड सा ही है सवाल, इतना मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स गो फॉर दिस वन। एक मिनट, roots of the equation lie on this curve where z is a complex number, then क्या होगा? roots of this equation, okay, इसके roots में अगर अल्फा बीटा ले लूं let's say, तो यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी है एंड अल्फा बीटा इज 45। अच्छा, एंड नेक्स्ट आई हैव बीन गिवन mod z प्लस 1 इज इक्वल टू 2 root 10, तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे? इसको किस तरह से सॉल्व करोगे? इनफैक्ट एक मिनट, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन अगर मैं देखूं लाई ऑन दिस कर्व, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात हो रही है। सो लेट द रूट्स बी, मतलब फिर इतने आसान नहीं रख सकते ना कॉम्प्लेक्स। लेट द रूट्स बी लेट्स से अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी, क्योंकि यार आपको पता ही है कॉम्प्लेक्स रूट मतलब जो आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, वो अकेले नहीं आते, वो और उसका कॉन्जुगेट साथ में आते हैं, करेक्ट? तो ऐसे केस में इसके रूट्स इस पे लाई कर रहे हैं, तो z को मैंने अल्फा प्लस माइनस आयोटा भी कह दिया। अब अगर इनमें ऐड करूं सम ऑफ रूट्स तो वो 2 अल्फा हो जाएगा माइनस बी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा, मतलब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अगर मैं करूं तो आप देख रहे हो ना प्रोडक्ट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, will be alpha square minus iota square beta square which will be alpha square plus beta square is 45. okay, एक चीज ये आ रही है, एक चीज ये आ रही है। ठीक है जी, ये सॉर्टेड है ना, ये सॉर्टेड है। अच्छा, अब मुझे यार ये भी चीज दे रखी है, तो यानी mod of alpha plus minus iota b प्लस 1 इज 2√10, तो मैं होल स्क्वायर ले लूँ तो 4 × 10 40. तो दिस इज गोना बी अल्फा स्क्वायर प्लस या माइनस, आप जो भी जैसे प्लस ले लूँ अगर मैं पहले, एक मिनट अच्छा इसका तो इसके साथ है +1 है. तो यार यहाँ से आई कैन गेट माई अल्फा बीटा, इन दोनों से इनफैक्ट मैं बीटा स्क्वायर, अगर आप देखो यहाँ पे बीटा स्क्वायर इज 40 माइनस अल्फा +1 होल स्क्वायर, एंड यहाँ से बीटा स्क्वायर देखो तो 45 माइनस अल्फा स्क्वायर है. आप अल्फा निकाल लोगे, आप बीटा निकाल लोगे और फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी. रादर खाली अल्फा निकाल के आप इसमें डाल देना, क्योंकि आपको बी ही देखना है कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है ना. तो कर लेते हैं, आ जाओ फिर. 40 माइनस अल्फा स्क्वायर -1 -2 अल्फा यू डू 45 माइनस अल्फा स्क्वायर. ये बहुत बड़ा बढ़िया हुआ जो ये कट गया. ओके सो इधर अगर मैं ले आऊँ, ओके सो दिस विल बी, इधर लेके आऊँ तो 40 माइनस 46, सो -6 इज इक्वल टू 2 अल्फा. अल्फा -3 है, तो यानी b तुम्हारा -6 है. अब आप देख लो यार, b -6 कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर रहा है. ये तो आ रहा है 36 -(-6). 2 अल्फा इज इक्वल टू -6 आ रहा है ना. 36 -(-6). अरे यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ आ गई है. b एक मिनट, कहीं गड़बड़ हुई है क्या? इसको इधर ले आए, उसको उधर ले गए. -2 अल्फा, दिस इज अल्फा +1 होल स्क्वायर. आई थिंक b 6 आना चाहिए था, -6 आ रहा है. लेट मी चेक क्विकली. 2 अल्फा इक्वल टू -6, अल्फा इज -3, सही है. तो अल्फा को -3 अगर डालूं तो बी आर -6 ही आ रहा है, लेकिन 2 अल्फा इज -6 तो बी इज 6. अरे यार, ये नेगेटिव लिखना भूल गई थी मैं, वही एक नेगेटिव ने फंसा दिया. दिस इज फाइन, इट्स सैटिस्फाइंग. अब तो दिख ही रहा है 36 -6. ठीक है, डन, कूल. इसी तरह से अभी जैसे सवाल किया था, आई थिंक ये सेम ही सवाल गलती से यहाँ पर दोबारा लग गया है. ओके इसको झटपट से देख लेते हैं. लेट्स सी दिस वन क्विकली. डिलीट कर देते हैं, आई थिंक जो डबल में सवाल आ गया है. हाँ जी, इसको क्या करेंगे, z² + z conjugate is 0, then real part of z plus imaginary part of z से क्या करोगे? देखो सिंपल सी बात है, मैं z को अगर x plus iota y ले लूँ तो z² + z conjugate is 0. दिस इज सॉर्टेड. तो इसको ओपन करूँ, x² - y² + 2x iota y प्लस x - iota y 0. अब रियल एंड इमेजिनरी का खेल खेलने वाले हैं हम. तो रियल पार्ट को अगर इक्वेट कर दूँ, 0 ही होंगे दोनों तरफ, 0 आप 0 + 0 iota लिख सकते हो, है ना. तो रियल पार्ट में ये सब है, x² - y² + x इज इक्वल टू 0. एंड इमेजिनरी पार्ट में क्या है, 2xy - y इज इक्वल टू 0. नाइस. तो यहाँ से मैं देखूँ y को 2x - 1 इज 0. केसेस बनेंगे, देखो केस 1 y 0 है एंड केस 2 x इक्वल टू ½ है. अब इन्हीं के बेसिस पे तुम्हारी गेम खेली जाएगी. तो अगर आपका y 0 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² + x इज 0, यानी x इज 0 और -1. ठीक है जी. अच्छा दूसरा, x अगर ½ है तो यहाँ से क्या गेम खेली जाएगी, x ½ है. तो 1/4 - y² + ½ इज 0. सो 1/4 एंड ये आ जाएगा 2 + 1 3/4 इज इक्वल टू y². तो यार यहाँ से हमको अपने सारे नंबर मिल रहे हैं. ठीक है, तो यानी y तुम्हें ± √3/2 दिख रहा होगा. तो यानी मेरा z क्या हो चुका है, इधर इधर इधर, ये तो क्या क्या पेयर बन गए हैं यार, 0 0 या 0 माइनस 1, तो 0 0 या 0 माइनस 1, 0 0 या -1 0। एक मिनट, z लिखने से पहले सारे पॉसिबिलिटीज तो देख लें क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो आ जाएगा 0 एंड 0, दूसरा आ रहा है -1 एंड 0, एंड तीसरा आ रहा है अगर x तुम्हारा हाफ है तो हाफ एंड √3/2 एंड हाफ एंड -√3/2। ओके, सो रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या, रियल पार्ट्स को मैं ऐड कर दूं, -1 हाफ हाफ, रियल पार्ट ऑफ z इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट देखो 0 0 √3, अरे ये भी 0 0 प्लस 0 है क्या आंसर, 0 है क्या आंसर, अरे हाँ सारे ही ऐसे रूट्स बन गए हैं कि आपस में ही कट रहे हैं, सारे रियल पार्ट्स को ऐड करो तब भी 0, इमेजिनरी करो तब भी 0। बताइए क्या बात ही कर दी तुमने, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Let alpha and beta be the roots of this equation. Then value of ये क्या है? तो I guess यहाँ से roots of this equation मतलब इसके रूट्स निकाल के, एंड इसका मतलब क्या है यार, अल्फा प्लस बीटा, देखो तुम्हारी x की तो टर्म है ही नहीं कोई, है ना, तो ये 0 है, एंड प्रोडक्ट क्या है, -c/a, तो ये 1 - 2i होता है। ओके, अल्फा raised to power 8 बीटा raised to power 8, क्या कुछ कह रहा है, एक ये चीज़ बहुत तगड़ी कह रहा है कि अल्फा इज नेगेटिव ऑफ बीटा। तो अब आप यहाँ पे देख लो, अल्फा 8 प्लस बीटा 8, यानी एक तरीके से ये ट्वाइस ऑफ अल्फा 8 का मॉड मांग रहा है ना, ट्वाइस ऑफ अल्फा 8 का मॉड मांग रहा है, करेक्ट, विच इज़ द सेम एज सेइंग कि ये ट्वाइस ऑफ α² raised to power 4, ऐसे भी कर सकती हूँ मैं, अब ऐसे भी कर सकते हैं हम, है ना। अब मैं अल्फा फाइंड कैसे करूँ, ओके, सो प्रोडक्ट अल्फा बीटा है, मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट फाइंड करूँ इसका सॉल्यूशन, x² = 1 - 2i होता, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाऊँ तो दिस विल गिव मी x = -b विच इज 0 प्लस -b² - 4ac/2। ये 2 और 2 कट जाएगा ना, तो √1 - 2i होता, ये आ जाएगा ±, तो यानी अल्फा कुछ इस प्रकार से आपके ये आ रहे हैं। तो मॉड अल्फा तुम्हारा 1 - 2i होता ना, बिल्कुल, तो α² आपका सीधा ही 1 - 2i होता आ रहा है, तो इसका मॉड देख लो क्या आ जाएगा, इट इज़ 1² - 2², तो सॉर्टेड है, 4 + 1 = 5 raised to power 4, 5 raised to power 4 हमको समझ में आता है, 25 × 25 625 और उसका डबल जो 1250 होगा, 5 √5, ओहो सॉरी, ये वाला आएगा √5, मॉड ले रहे हैं ना यार, मॉड ले रहे हैं, गलती हो गई थी लेकिन बच गए, हाय रे हाय। चलिए, एक ये 30 जून का सवाल है, एक ऐसा गुमशुदा पेपर जिसके बारे में हमें बहुत लेट पता चला, जो एनटीए ने करवाया था, छुप छुप के चोरी से चोरी, समझ रहे हो, हाँ। सो ये क्या कह रहा है, द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या, ओहो अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा अगर मैं कुछ करूँ, रियल पार्ट इवेंचुअली निकालना है, आपको पता है कि इसको वो सब भी करना पड़ेगा, मतलब रैशनलाइज एंड ऑल ऑल्सो, बट लेट्स सी. अगर मैं इसको बोलूँ 1 + 2 iota 6 एंड दिस इज 1 + 2 iota square, ये मैंने क्यों किया, मैं इसके साथ देन आई कैन प्ले अराउंड, मतलब इट्स लाइक a + b एंड a - b ना, एंड नीचे क्या हो जाएगा 3 + 2 iota और इसका कॉन्जुगेट विच विल बी 4 + 6 iota. ओके, सो इसको थोड़ी देर के लिए एज इट इज रखते हैं बच्चा. दिस विल बी क्या 1 + 2 iota 1 - 2 iota विच विल बी a² + b², सो 2² और इसका होल स्क्वायर. ओके, सो ये 5, ये 25 इंटू 1 + 2 iota raised to power 6. यहाँ से भी अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, दिस इज 3 + 2 iota एंड दिस इज 2 + 3 iota. फेयर इनफ. लेट्स ओपन दिस, एक्चुअली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, देखते हैं. चीज़ों को बस सुलझाना है, धीरे धीरे चीज़ों को सुलझाना है. ओके, लेट्स सी, दिस विल बी 6 + 9 iota, दिस विल बी +4 iota एंड 3 = 6 iota square विच विल बी -6. यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारे पास 6 एंड 6. अरे अरे अरे, बहुत ही बढ़िया. आप आयोटा से सिर्फ अब आपको रैशनलाइज करना है. क्या बात है, वेरी नाइस. सो आपको पता ही है -20, तो यहाँ पे बच जाएगा -25/2 iota एंड ये 13 भी इधर आएगा तो 26. एंड गाइज यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो 1 + 2 iota whole raised to power 6 एंड अल्टीमेटली आपने उसका रियल पार्ट लेना है. सो माई एंटायर क्वेश्चन, ये जो लंबा चौड़ा सा तुमको दिख रहा था जी, इट हैज़ बिकम दिस. ठीक है, चलिए थोड़ी मेहनत करें अब. तो अभी भी तो वही कर रहे थे. हाँ हाँ, पता है पता है. चलो लेट्स सी दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है. ओके, लेट्स फिगर दिस आउट. सो मैं सिर्फ इस पर फोकस कर रही हूँ अभी थोड़ी देर के लिए. मैं इसको बाइनॉमियल से ओपन कर सकती हूँ, तो 6c0 तो 1 ही आएगा. 6c1 के साथ एक 2 iota आ जाएगा. 6c2 आपको यार पता है कि 1 square 1 cube कुछ भी, वो सब सेम ही देने वाला है, तो उसकी हम इतनी टेंशन ले ही नहीं रहे. अभी समझाना है इसलिए सारे टर्म्स लिख रही हूँ, वरना सिर्फ रेलिवेंट लिखती. आपको बताती हूँ कैसे. अच्छा, अब यार ये आयोटा से मल्टीप्लाई करना है आपने, एंड ऊपर से -25/26 से भी करना है. ऊपर से आपको बोले रियल पार्ट ऑफ दिस, तो आपने सिर्फ वो रेलेवेंट टर्म्स लेनी है. आप देखो, आयोटा इससे करोगे, इससे करोगे 2 iota square. सो यहाँ एक टर्म मिल गई है मुझे -2 × 6c1. ठीक है, बिकॉज आयोटा स्क्वायर तुम्हारा -1 दे देगा. अच्छा, यहाँ से नहीं क्योंकि आयोटा बाहर है. ये आपको देगा 2 क्यूब विच इज 8, है ना, 8 × 6c3. अच्छा, नेक्स्ट में आ जाओ, तो इसको भी अब इसको काट दो. ऑल्टरनेट टर्म्स आ रही है, हमें समझ आ गया. iota raised to power 6 बन जाएगा इवेंचुअली इसके साथ मल्टीप्लाई करके, जो हमें iota raised to power 6 -1 दे देगा. -1 सो -2 raised to power 5 × 6c5 एंड इसमें तो कटना ही है. इस सब को, इस अट्रम पट्रम को आपने -25/26 से डिवाइड करना है. इस अट्रम पट्रम टर्म को -25/26 से डिवाइड करना है एंड यू विल फाइंड ये वाला आंसर. तो यार लंबा तो पड़ेगा, लेकिन आई गेस बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं. ठीक है जी, राइट. तो चलिए, क्यूब रूट एंड nth रूट ऑफ यूनिटी स्टार्ट करने से पहले लेट्स टेक अ 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक, राइट, ताकि एक रिजुविनेटेड एनर्जी के साथ आए. लेकिन तब तक आप लोग जो इस वक्त लिंक पिंड है tinyurl.com/JEE with Neha मैम, उसको जाके चेकआउट करो. ये JEE ब्लास्टर सीरीज उसके टॉप पे आपको लगी हुई दिख जाएगी. एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं, 5 मिनट लेंगे, सेशन begins in समझ तो तुम गए होगे, है ना। सो लेट मी सी यू गाइस। यार इसको ना उतारने के बाद मुझे स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ये अटक जाता है। चलिए लेट मी सी यू गाइस सून सून सूनेस्ट गो। Hello everyone, I'm back. Okay, चलो सेशन बिगिन हो गया है। चलो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे सवाल करते हैं। एनटीए का क्वेश्चन है सबसे पहला, ठीक है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझेंगे। इट सेज इफ z प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन z रेज टू पर 2003, पहले तो यार इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं, आई गेस मुझे क्लियरली पता चल गया है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू से कि z ओमेगा है, एंड उसके बाद तो लाइफ सुपर इजी हो जाती है। तो ओमेगा रेज टू पर 2003 प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेज टू पर 2003, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा है, ऑफ ओमेगा है। आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है। अब यहाँ पे देखो 235 बच रहा है ना। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करने बैठूंगी तो आपको भी पता है यार यहाँ पे क्या 0 3 के कार 5 है ये, इट इज़ 1 लेस। सो ऐसा भी हो सकता है ओमेगा 5 इस प्रकार से बचे, जिसको मैं ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर ऐसे करके लिखूँ। सो ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये क्या दे देगा मुझे? What will it finally give me? चलिए जल्दी एग्जैक्टली यहाँ पे आप देखोगे फिर से ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये ओमेगा प्लस 1 एंड यहाँ ओमेगा स्क्वायर। नाउ आपको पता है हमने 2 चीजें यूज कर रहे हैं, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है, करेक्ट। तो यहां से मैं देखो तो ओमेगा प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड क्वेश्चन हो गया है नष्ट भ्रष्ट खल्लास, राइट। प्लीज मेक अ नोट, आई थिंक सबको सही से चमका होगा। ओके, दिस इज 2021 का सवाल ऑन योर स्क्रीन। नाउ लेट्स गो फॉर दिस वन माय आर्मी। देखिए जरा इसको कैसे करने वाले हैं। कमॉन कंसिडर अ क्यूबिक इक्वेशन देन द सम ऑफ 160 सेकेंड। अब यार यहाँ पे इस तरह का सवाल अगर आपको याद हो, हमने लिमिट्स में या सीक्वेंस सीरीज में कहीं तो जब हम पेयरिंग करते हैं आपको दिख रहा होगा कि आप इनको कपल कर सकते हो, एंड यहाँ से इफ आई टेक 2x कॉमन, माइनस 2x कॉमन है ना, माइनस 2x पे बात बनेगी। माइनस 2x कॉमन, यानी कि यहाँ से x माइनस 1 मैं कॉमन ले लूँ, सो अंदर आई बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एंड यहाँ से मेरे को मिल जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 0। तो एक तो यार आपका रूट x इक्वल टू 1 हो रहा है, एंड यहाँ से क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसमें रूट्स आपके माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ठीक है। द सम ऑफ 162nd पावर ऑफ इट्स रूट्स, यानी आप इसकी 162 करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। माइनस ओमेगा रेज टू पावर 5 करोगे, सॉरी ओमेगा 5 का 162 करोगे, तो पहले तो यहाँ पे ही देख लो ओमेगा 5 आपको क्या दे देगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है ओमेगा स्क्वायर, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 162, ओके। एंड लाइक वाइज यहाँ पे मैंने 5 किस लिए किया, किस खुशी में किया मैंने 5? ऐसे क्या खुशी हो गई थी बेटा मेरे को कि मैंने 5 कर दिया इसको? ये तो सिर्फ माइनस ओमेगा दाना है ना। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ये 1 हो जाएगा क्योंकि द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, एंड सेम कहानी है जो यहाँ भी सुनानी है, ठीक है। सो अगर आप इसको ऐसे भी लिख देते हो लाइक दिस इज माइनस तो चला ही जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 एंड 3 24, ये एक बार फिर से आपका 3 से डिविजिबल है तो 1 ही आएगा। तो इन तीनों को अगर आप ऐड कर लो तो सम आपका सीधा सीधा 3 आ रहा है, यस और नो? सिंपल सी बात है, दैट्स इट, बस यही काम करना था यहाँ पे। सो आई गेस इट्स प्रिटी सॉर्टेड, है ना। चलिए 2019 का ये सवाल, लेट्स सी इसको कैसे करेंगे आप लोग। तो z दे रखा है, अब देखो कर लो तो बाइनॉमियल से कर लो, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे देखो इसको यार गलती से भी, अगर आपको ओमेगा याद है, ओमेगा आपका क्या था यहाँ पे ना, इन्होंने आयोटा इसके साथ देके छलावा किया तुम्हारे साथ, तो तुम इस z को लेट मी सी, अगर मैं आयोटा यहाँ से कॉमन ले लूं, ओके आयोटा लूं या माइनस आयोटा, एक बार देखते हैं। -1/2 एंड प्लस √3/2 आयोटा, इफ आई राइट इट दिस वे, ध्यान से देखना ओके, this will be half only which is i/2 only which is very much there, and here √3/2 minus iota square which will be plus, so I guess pretty sorted है यानी। एंड अगर आप इसी प्रकार से दूसरे उसका भी करोगे तो दूसरे में यार माइनस आयोटा ले लूँ, एंड इफ आई डू इट दिस वे, अब यहाँ पे यार एक आपकी आयोटा की गड़बड़ आ रही है, यहाँ से मुझे प्लस आयोटा लेना चाहिए क्या, यहाँ से मुझे प्लस आयोटा लेना चाहिए क्या, या ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, इसको चाहे तो ऐसे भी चला सकते हैं क्या। देखो अगर मैंने ये लिया, अगर मैंने माइनस आयोटा की लिया कॉमन, तो बट इन फैक्ट ये सब करना ज़रूरी है। व्हाट आई कैन रादर डू इज, मुझे एक और यहाँ से एक चीज़ की फील आ रही है, एक और चीज़ मुझे समझ में ये आ रही है कि दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ बाइनोमियल जिसके अंदर मैं डायरेक्टली भी आंसर दे सकती हूँ, है ना। मतलब मैं ये भी कर सकती हूँ कि इवन पॉजिटिव, तो आप इस तरह से भी मैं आंसर दे सकती हूँ। एक ये भी बहुत बढ़िया तरीका है, आपको आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा, करेक्ट। अब यहाँ सिंप्लीफाई करके मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट होगा, यानी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दिया है तो मेरे को यहाँ से कनेक्शन समझ आ जाएगा। दूसरा वे ये है, मतलब पहला तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा था, डायरेक्ट ओमेगा मुझे नहीं मिल रहा था बहुत बढ़िया से। एक तो तरीका ये है अपना बाइनोमियल वाला। अच्छा दूसरा तरीका एक और जो हमें पोलर यूज़ कर सकती हूँ। पोलर अब आप देखो, √3/2 प्लस iota/2 अगर मुझे दिया हुआ है z1, इसका मॉड z1 तो आपका क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 विच इज़ 1, ओके। अब यहाँ से आप देखो अगर साइन थीटा या कॉस थीटा, व्हाट विल आई गेट ओवर हियर। यहाँ से अब आप देखो अगर आपका जो आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 हो रहा है tan इनवर्स ऑफ हाफ अपॉन √3/2, तो 1/√3 दोनों पॉजिटिव है यानी कि π/6। तो अगर मैं पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ, सो आई गेस दिस विल वर्क द बेस्ट। आप देख सकते हो cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, एंड यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ नेगेटिव होगी। नाउ एज पर इतना मेरे को समझ में आ गया। अब मैं चाहूँ तो ये भी कर सकती हूँ, वरना मैं डी मोइवर्स लगाना प्रेफर करूँगी। तो मेरे पास अगर cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 आ गया है फर्स्ट वाले से, तो रादर देन पुटिंग ऑल दोज, अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना लगा के ये मेथड लगाते हैं तो ज़्यादा क्विक बनेगा। इसके अंदर कर दो तो cos 5π/6 एंड प्लस cos 5π/6 मुझे दे देगा, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, विच इज़ 2 cos, कैसे लिख सकते हैं हमसे पाई माइनस π/6, ठीक है जी, विच इज -2 cos π/6। सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, ये क्या हो जाएगा -2 एंड cos π/6 तो क्या ही होता है, हमें पता है √3/2। तो मेरा आंसर यार इसका -√3 आ गया। यानी कि मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे रियल पार्ट एक दे रखा है ना, रियल पार्ट मेरा आ गया, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो रियल पार्ट इज नेगेटिव ऑफ c, व्हाट इज c, एंड इमेजिनरी पार्ट है 0, ये पता नहीं क्या है, बट इमेजिनरी पार्ट सर्टनली हमारा 0 आ गया है। गॉट इट, आई थिंक अब क्लैरिटी आ गई होगी, ओके ये वाला सवाल आई थिंक हमने लगा लिया था पहले, पर मैंने इसमें डाला है कि इस तरह से भी हो सकता था। ठीक है, ये हमने मतलब डी मोइवर्स लगा के कर लिया ऐसे। सो आई डोंट नो व्हाई इज इट रिपीटेड हियर। यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं रादर। ठीक है, वो पता नहीं काहे को रिपीट किया रे बाबा। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिसके लिए दिस इज 1। अब फिर से अगर याद करें, करेक्ट, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, एम आई स्टिल गेटिंग दैट आंसर? रादर क्या ये माइनस ओमेगा नहीं हो सकता? ध्यान से सोचो। ध्यान से सोचो, अगर ओमेगा ये है, ऊपर क्या दे रखा है मुझे? अगर मैं 2 से दोनों को डिवाइड कर दूं, वन बाई 2 प्लस आयोटा रूट 3/2। ओके, तो यहाँ से अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूँ, फेयर इनफ, यानी कि ये वाला जो मेरा है माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ओके, एंड हाउ अबाउट दिस? मैं इसमें से हाफ, मैं अगर इसमें से नेगेटिव साइन फिर से कॉमन ले लूँ, परफेक्ट। यानी क्वेश्चन सिर्फ इतना नन्ना मुन्ना राही हूँ बन चुका है। यानी ओमेगा रेज टू पार n इज इक्वल टू 1, तो जिसकी लीस्ट वैल्यू हमारी 3 होती है, याद है ना? ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, मतलब सारे मल्टीपल ऑफ 3 चलेंगे, लेकिन उसने कहा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वो 3 होगा। डन, सुपर्ब। ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन जहाँ पे आपको P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड दोनों का प्रोडक्ट। तो कुछ हटके सवाल, लेट्स सी। मुझे यार यहाँ पे एक इनफाइनाइट जीपी दिख रही है, तो मैं a/1 - r कर दूंगी। अब r देखो क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो कॉमन रेशियो माइनस ओमेगा बाय 2 जा रहा है। इसको करूँ, इसको करूँ, माइनस ओमेगा बाय 2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, जो आ जाएगा 2 अपॉन ओमेगा प्लस 2। दिस इज P1 एंड P2। तो भैया किसको P2? इसको P2। अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या निकल के आता है अपना। देखो कोई तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी पक्का से कट के, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में दे रखा है इसको। ओमेगा प्लस 2 को आई कैन राइट एज ओमेगा प्लस 1 करके आई कैन डू दैट। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ओमेगा प्लस 1 एंड इनटू यहाँ पे तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2 है। माय गोल्डन इक्वेशन सेज कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। टाटा, यानी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जो इसके साथ ही कट जाएगा दोस्तों। अरे ऐसे कैसे काट दिया? हाँ, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ही होता है। गॉट इट? सिंपल था। किल्ड एट स्लॉटर हो गया, यस और नो? ऑल राइट, कम ऑन गाइज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन्स। लेट्स सी इसको कैसे करने वाले हैं। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल। चलिए, अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड दे आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो x² माइनस एक्स प्लस 1, अब आपको पता है इसके रूट्स क्या होते हैं। अल्फा माइनस ओमेगा हो जाएगा, बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बस उठाओ, ठूस दो। अरे यार, स्वैग लाइफ थी वैसे, है ना? मानते हो कि नहीं, स्वैग लाइफ थी। ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसको याद करते हुए दोस्तों। एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपका 214 आ जाएगा, है ना? अब आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 है, क्या आपका यहाँ पे बच जाएगा? यस हाँ -1 raised to power 101, यहाँ भी -1 raised to power 107 कर सकते हो तो यहाँ पे फिर वो नेगेटिव आ जाएगा ना। सो अब यहाँ पे आपको पता है कि 99 से जाएगा तो -ω² बच जाएगा माइनस। यहाँ मैं 3 से डिवाइड करने बैठूँ तो 1 बच जाएगा। फील आ गई? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है तो ये -1 हो जाएगा। यार ऑप्शंस बड़े कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर -1 गलती से आंसर दे सकते हैं, ऐसा नहीं करना। ओके 2017 का सवाल है, लेट ओमेगा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये चीज दी हुई है आपको। अच्छा मैं ओमेगा बोल रही हूँ, ओमेगा कहीं लिखा नहीं है। आई शुड नॉट से ओमेगा जब तक आप कुछ प्रूव ना कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप W देखोगे तो z -1/2 आएगा। अब देखो आप Z ये दे रखा है विच इज √3 iota - 1/2 विच आई कैन राइट एज -1/2 प्लस √3/2 iota एंड नाउ आई कैन वाउच फॉर कि ये W ओमेगा है ना। तो मैंने कहा ना हमेशा छुपा के आता है। ओके एंड इसके साथ यहाँ पे आप देखोगे कि आप क्रिएट कर सकते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, या यहाँ पे प्रॉपर्टी एक तो देखो लग रही है। तो यानी अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लो, -1 ले लूँ तो वो सिर्फ यहाँ पे आपको ओमेगा बच जाएगा। सो एंड यहाँ भी आपको पता है ω³ 1 होता है तो ω7 क्या हो जाएगा, एक सिर्फ ओमेगा ही बच जाएगा। अब आप इनको ऐसे ऐड कर दो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी अगर मैं तीनों कॉलम्स को ऐड कर दूं, कॉलम 1 में बोल दूं इस कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 तो क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 एंड ये भी 0 एंड आई गेस बाकी तो भैया कुछ बचा नहीं है लाइफ में। ठीक है इसको एक्सपैंड कर दो बढ़िया से। सो दिस विल बी ω² -ω⁴ एंड -ω⁴ सिर्फ -ω दे देगा। कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे, यहाँ कहीं प्लस बनना चाहिए था विच आई हैव मिस्ड। -ω² -1 सिर्फ ओमेगा दे रहा है और हमने इन सबको ऐड कर दिया है, ये भी 0 बन रहा है। 3 से एक्सपैंड कर रही हूँ तो ω² -ω⁴, ω⁴ सिर्फ ओमेगा दे रहा है। कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ आ रही है क्योंकि ये डायरेक्ट आना चाहिए था, नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। इक्वेट करते 3 के, सो के हमारा ω² -ω आया। आई नो बट वो क्या टाइम था मैम, ऑनलाइन भी होता था पेपर, ऑफलाइन भी होता था कुछ ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा एंड मतलब अगर अब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो घी टेढ़ी करके निकालनी पड़ेगी ना, अरे घी नहीं उंगली, तो ये क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस विल बी +1/2। तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। √3 वाला आंसर आप इनको ऐड करो -2√3/2। ओहो -z आ रहा है आंसर, भाई साहब क्या लेवल की हमसे मेहनत कराई है, दोस्तों। यस और नो? चलो सही है बॉस, आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। देखो जो इतने सारे तुम लोगों के साथ सवाल हो रहे हैं, नॉन स्टॉप हो रहे हैं, ये बिल्कुल दिल से मेहनत चल रही है, हार्ड वर्क फॉर यू गाइस। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहती कि यार यहाँ से जाके देखो, यहाँ से तो पढ़ रहे हो लेकिन जाके ये क्रैश कोर्स ले लेना, ये ले लेना, वो ले लेना। जो भी है सब कुछ complete, full and complete is available on mathematically inclined YouTube videos, जिसके लिए आप पूरे मटेरियल को रेफर कर सकते हो tinyurl.com/jwithneha मैम, जिसका लिंक मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एंड इस वक्त आपके चैट्स में भी पिंड है एंड इसके साथ साथ ये जो जेई ब्लास्टर सीरीज चल रही है उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट टॉप पर गिवन है. ओके ओके अब आई गेस यहाँ से हमको एक फील आ गई है कि आपका जो ओमेगा होता है ना वो ऐसा होता है और ये ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है मैं बना सकती हूँ. मतलब अगर मैंने इसे माइनस आयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से आई कैन टेक माइनस 1/2 एंड फ्रॉम हियर जस्ट सी ओमेगा बनेगा कि ओमेगा स्क्वायर, दैट आई स्टिल डोंट नो. ओके लेट्स सी. ओके जानू दिल दिल देना, देखो जरा सेटिस्फाई कर रहा है. आयोटा स्क्वायर माइनस ये प्लस होएगा बिकॉज √3/2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है. हाँ तो यानी योर z इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस आयोटा टाइम्स ओमेगा. परफेक्ट. देख रहे हो ना, तुम्हें बोला था कि छुपा छुपा के देते हैं वो तुम्हें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ओके सो इन अ नटशेल z इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा दे रखा है. दिस गिव्स मी 1 + आयोटा टाइम्स माइनस आयोटा ओमेगा प्लस जेड रेज टू पार 5 के लिए माइनस रेज टू पार 5 प्लस आयोटा के लिए जेड रेज टू पार 8 विच इज दिस. अभी होल रेज टू पार 9 बाद में कर लेना. सो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा रेज टू पावर 5. ठीक है आयोटा रेज टू पावर 5 अब समझो आयोटा रेज टू पावर 4 1 होता है तो आयोटा बचेगा ओमेगा 5 ओमेगा क्यूब 1 होता है सो दिस विल ओनली गिव मी ओमेगा स्क्वायर. आयोटा रेज टू पावर 8 1 हो जाएगा तो दिस इज ओनली आयोटा. ओमेगा रेज टू पावर 8 ओमेगा रेज टू पावर 6 1 हो जाएगा तो सिर्फ ओमेगा स्क्वायर. 1 + ओमेगा. अच्छा अभी रेज टू पावर 9 बाकी है. आँखों में कैसे नींद जाएगी, ये देखो ये पता है ना 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है यानी नेगेटिव ऑफ ओमेगा रेज टू पावर 18 जो 1 होता है दोस्तों. सो -1 इज द आंसर. ठीक है -1 इज द आंसर. चमका टिंग टिंग टिंग. नाइस सुपर भैया. अब आते हैं आपके पोलर यूलर फॉर्म एंड डी मोइवर्स थ्योरम. दो आई नो प्रैक्टिस करते करते कुछ क्वेश्चंस में हमने इनको ऑलरेडी इनको यूज कर लिया है बट स्टिल अब थोड़ी सी एक्सक्लूसिविटी देखते हैं. सबसे पहले NTA पेपर 52 का आपको सवाल दिख रहा है. लेट्स सी दिस. क्या करोगे काफ़ी एक्चुअली डायरेक्ट सी यहाँ पे तो आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा है ना, तो सिर्फ इक्वेटिंग ही आप कर रहे हो, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है. मतलब आयोटा क्यूब आपको पता है माइनस आयोटा देगा तो माइनस 4 आयोटा होते तो -5 आयोटा. अरे ये तो बुद्धू बना दिया हमें, सवाल नहीं उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया. ये क्या हो जाएगा -5 आयोटा होल स्क्वायर विच विल बी 25 आयोटा स्क्वायर. सो -25/2 आयोटा +1 जिसको हम रैशनलाइज कर देंगे. ये क्या आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर विच इज -4 -1. तो ये पूरा काट पीट के ये बन जाएगा. सही है इक्वल टू cos θ + आयोटा sin θ है ना. ये कुछ तो गड़बड़ है क्या, ये कुछ तो गड़बड़ है क्या. हा 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 हा. 1 मिनट रुको ज़रा. 2 आयोटा + 1 2 आयोटा -1 अगर हम कर दें 1 + 2 आयोटा 1 - 2 ये उल्टा होना चाहिए क्या. 1 मिनट हाँ 1 मिनट कुछ तो गड़बड़ लग रही है जनाब. ये 25/2 आयोटा +1 ही आ रहा है. अरे यार ये होल स्क्वायर था इसको तो खोला नहीं. This will be 4 iota square +1 -4 आयोटा। अरे बाबा अपॉलोजीज, वही मैं सोचू कुछ अजीब सा लग रहा है ना। आयोटा स्क्वायर इज -1, सो -4 + 3, (25/3 + 4 आयोटा) इसको करना है जो आपने करना है। 4 आयोटा स्क्वायर 1 + 4 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर -4 + 1, -4 + 1 -3, ठीक है जी, +4 आयोटा था ना, इसको काहे हमने माइनस किया। हाँ, सो ये बन जाएगा आपका नंबर बेसिकली ओके 25/3 -4 आयोटा। इसको अब मैं रैशनलाइज करूंगी, है ना। सो ये आपका क्या बन जाएगा, 25 × 3 + 4 आयोटा, क्योंकि होल स्क्वायर ना मैंने उस वक्त डिनोमिनेटर का करना भूल गई थी मैं। सो दिस विल बी 9 + 16, ये तो कट गया है। आपका नंबर सिर्फ 3 + 4 आयोटा बच रहा है, या समझ रहे हो ना तुम लोग। यहाँ पे देखो एक बार आपका 3 - 4 आयोटा यहाँ आ गया है, 3 - 4 आयोटा आ गया। 3 + 4 आयोटा से ऊपर और नीचे जब आप डिवाइड करते हो, सो दिस इज 25 × 3 + 4 आयोटा, correct? This will be 3² - 4² iota², which will be +16. So 3 + 4 iota मुझे मिल रहा है, okay? So 3 + 4 iota, अब ये मेरा नंबर है, तो mod z क्या हो गया, 5 हो जाएगा आपका, है ना। एंड cos θ + sin θ, अगर मैं थीटा अब लेने चलूँ, यहाँ पे देखिए cos थीटा तुम्हारा हो जाएगा, देखो r cos थीटा ऐसे लिखते हैं ना, 5 cos θ = 3, तो cos थीटा क्या आ रहा है, 3/5, करेक्ट। एंड sin थीटा क्या आ रहा है, 4/5, और इन्हीं को ऐड करके बताना है मुझे आंसर। तो 7/5 मुझे मेरा आंसर मिल गया है। 7/5 विल बी 1.2 बच रहा है, 1.04, 1 पॉइंट सीधा ही 7/5 बच रहा। हाँ 70 होता है ना, हाँ 70/, यस, ठीक है। सो 1.4 आंसर मिल जाएगा, करेक्ट, ओके। यहाँ पे देखिए ज़रा, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन किल दिस वन। कम ऑन गाइज, देखो इसमें बेस्ट क्या होगा कि जैसे यहाँ पे कंसाइज फॉर्म में लिखा है, इसको भी मैं पहले पोलर फॉर्म में चेंज कर लूँ। ओके, सो लेट मी ओनली कंसिडर दिस, लेट z बी दिस। सो मॉड z मुझे 2 दिख रहा है, है ना। एंड साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव है, सो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आप ओरली भी कर लो, तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 होगी, जो आपको π/6 दे देगी। सो आई कैन राइट दिस एज 2 × cos π/6 + iota sin π/6, ठीक है, raised to power 100 है, ओके। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 raised to power 99 p + iota q, ओके। तो p एंड q निकालना है। एक तो यार आपको ये पूरा कैंसिल होते हुए दिख रहा है, अब बाकी में क्या, डी मोइवर जिंदाबाद, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos 100 π/6 + iota sin 100 π/6, कूल है। इसको मैं कैसे लिखूं, मतलब cos 100 π/6 को कैसे कैलकुलेट करें हम। देखो मुझे अल्टीमेटली π/6 यहाँ ऐसे चाहिए, राइट अब इट इज टोटली माई चॉइस कि मैं इसको 100 π/6 को एक्चुअली 50 π/3 कर लेती हूँ ना पहले, मतलब क्यों इतने उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हम। आई थिंक π/3 लिखते ही एक फील आ गई है, मुझे तो आ गई है। 50 π/3 में मैं आई कैन डू दिस, π/3 17 π - π कर सकती हूँ, 17 π - π है ना 51 - 1 अच्छा 17 पाई 17 बार पाई घूमे हो तुम। 16 पाई तो अब देख रहे हो ना एक पाई की रोटेशन कितनी होती है, इट इज लाइक सेइंग 34 पाई बाई 2। तो आपका आंसर नेगेटिव होने वाला है। एनीवे आप ये करते हो तो 2 पाई आता है, तो अगर 16 पाई में तो इसने 8 पूरे राउंड ले लिए एंड 17 एक और पाई आपने लेके -π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सेकेंड मतलब नेगेटिव, ओके सो -cos π/3 यहाँ भी सेकेंड ही आएगा तो नेगेटिव नहीं इस वक्त पॉजिटिव होगा। आई विल गेट दिस, ठीक है आई विल गेट दिस। तो ये हो जाएगा, तो यानी P मेरा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स cos π/3 आपका 1/2 होता है and this will be 2 into √3/2. तो my roots are -1 and √3. तो x² - √3 + 1x - √3 इनका सम इज √3 - 1। ए ऑप्शन आ गया, अयो ए ऑप्शन आ गया डायरेक्ट, ठीक है ना सही है। तो आपने देखा यार डी मोइवर्स कितना हैंडी आया और अपना क्वेश्चन फोड़ दिया, कहीं का भी नहीं छोड़ दिया। चलिए सेंगेज बुक का सवाल, लेट्स सी दिस व्हाट आर वी गिवन बच्चों। गिवन z इज दिस, देन रियल पार्ट ऑफ z अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा। तो इसको यार z अगर है तो mod z क्या ले सकती हूँ मैं, मतलब अगर मैं इसको सिर्फ z1 ले लूँ, ठीक है तो mod z1 क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑब्वियसली 2, करेक्ट mod z1 ऑब्वियसली 2 हो जाएगा। नाउ आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अगर मैं लूँ दोनों पॉजिटिव हैं, tan 1 of √3 तो पॉजिटिव यानी कि π/3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका cos π/3 + iota sin π/3 raised to power 100। बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है। ये आ जाएगा cos 100 π/3 और आपसे पूछा क्या है अपॉन इमेजिनरी पार्ट बताइए, ये सवाल पूछा है आपसे। कर लोगे कैसे, हाउ डू आई एक्सप्रेस इट, हेलो हेलो कैसे कैसे 33 पाई हो सकता है ना π/3 33 पाई प्लस ये समझ रहे हो 99 + 100 हो जाएगा साइन 33 पाई। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का काम है, अब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा ना बचा सवाल। 33 पाई अब आप समझ रहे हो 32 पाई तो 8 राउंड ले लेंगे, 32 पाई डिवाइड इफ आई डिवाइड दिस बाय 4 तो 32 पाई तो पूरे फुल राउंड ले रहे हैं। जो 33rd है 33 पाई प्लस ये 3rd क्वाड्रेंट आ जाएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों ही नेगेटिव होंगे तो फिर दोनों ही कट जाएंगे। cos π/3 आपको -1/2 देगा, ये आपको -√3/2 देगा, सो 1/√3 शुड बी द आंसर सी, ठीक है सॉर्टेड है। ओके राइट, दिस इज गिवन टू अस। देखें जरा इसको कैसे करते हो आप लोग, इससे पिछले वाला आई थिंक द नेक्स्ट वन इज ऑलरेडी डन। हाँ जी इसको कैसे करें। अब अगर आप ये सोचो ये पोलर फॉर्म है तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पोलर फॉर्म में cos θ + iota sin θ होता है। ओ गड़बड़ कर दी ये तो। पर अगर मैं कॉमन ले लूँ से 1 + इफ आई टेक आयोटा कॉमन cos 2π/9 -iota sin 2π/9 समझ रहे हो ना, ताकि पॉजिटिव रहे वो। एंड नीचे 1 + 1 - iota cos 2π/9 इतनी सी बात है ला 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 ला। 1 + iota यहाँ पे दे रखा है एंड उधर भी दे रखा है। वाओ दिस इज इंटरेस्टिंग, लेकिन ये करके हमने फिर किया क्या, हाउ डज दिस हेल्प मी बच्चों। इज नॉट रियली हेल्पिंग मी ना, मतलब ऐसे मैंने कन्वर्जन कर भी थी, अब मैं क्या करूँ। मतलब अगर मैं एट बेस्ट इसको लेट जेड भी ये चीज़ बुला लूँ, हो सकता है देखो ना आयोटा स्क्वायर माइनस वन कॉन्जुगेट है क्या उसका, एक सेकेंड, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, एक और प्लस दे दिया, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, ये प्लस आना चाहिए। यानी अगर मैं ऊपर वाले को z बोल दूँ तो नीचे वाला z कॉन्जुगेट है, सो डज दैट रियली हेल्प मी, क्योंकि ये बन रहा है वन प्लस आयोटा z अपॉन वन माइनस आयोटा z कॉन्जुगेट होल क्यूब। स्टिल थोड़ा सा इस तरह ट्रिकी होगा निकालना। और क्या किया जा सकता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देयर इज़ वन मोर आइडिया दैट हिट्स मी, अगर मैं साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूँ, मतलब समझो ज़रा कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, ये ऐसे करूँ तो दिस विल बी कॉस ऑफ 9, यहाँ पे आ रहा है रादर सॉरी एलसीएम तो 18 ही हो जाएगा, 9 पाई माइनस 4 5 पाई बाई 18। तो यानी ये क्वेश्चन बदल रहा है, कैसे आप ये बन रहे हो 1 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 18 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 18, है ना। एंड यहाँ पे 1 प्लस सेम चीज़ डन डन चलेगा ये चीज़, बढ़िया। ओके, तो अब 1 प्लस कॉस थीटा, एंड यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा रही हूँ, आई नो होल क्यूब है उसको बाद में ले लेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकती हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड ये साइन के साथ भी यही काम कर सकती हूँ, 2 साइन 5 पाई बाय 36 कॉस 5 पाई बाय 36, करेक्ट। ओके, अब आप देखोगे कई चीज़ें इसमें कैंसिल होंगी, तो आपके पास क्या बच जाएगा, कॉस 5 पाई बाय 36, आई थिंक वी शुड बी सॉर्टेड विद दिस, प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 36 अपॉन कॉस 5 पाई बाय 36 माइनस आयोटा साइन 5 पाई बाय 36, गॉट इट। और इसको रेज़ टू पावर 3 किया है, आहा आहा, सही है ना, आहा आहा। अब डी मोइवर्स लगाएंगे तो यहाँ 5 पाई बाय 12, यहाँ साइन 5 पाई बाय 12 आएगा, ऐसा करके आएगा दोस्तों। एक मिनट यार, एक मिनट, ये रेज़ टू पावर 6 का है। अच्छा, इन्होंने ये था रेज़ टू पावर 3 ही, इन्होंने एक और मस्त चीज़ की कि इसको भी रैशनलाइज कर दिया, वो भी सही है, यहाँ 6 आ गया। अब आई थिंक तुम कर लोगे इसको अंदर ले जाके, एंड यू विल जस्ट हैव टू सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द आंसर। तो थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन एंड में स्किप कर दी है यार, मैं नहीं खेल रही यार, कम ऑन गाइस, हिट दैट लाइक बटन अभी के अभी। ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम्हारे लिए मेहनत हो रही है और तुम इतना सा काम नहीं करोगे नेहा मैम का। यस, चलिए इसके बाद यार लास्ट पोर्शन पे आपके जाना है, बट लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, एंड तब तक के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर अभी तक नहीं किया तो आप इसको डाउनलोड कर लो, चेक दिस आउट। इसके टॉप पर आपको ये जो जेई ब्लास्टर सीरीज है इसकी पूरी क्लिकेबल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, राइट, सो सेशन begins in 1 आपकी आई थिंक थोड़ी सी लॉन्गिश यहाँ पे कर देते हैं, 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, एंड देन वी विल बी बैक। ओके, हमने डिसाइड किया था कि पहले मैं माइक उतारूंगी फिर ब्रेक लेंगे, ठीक है जी, लेट्स गो। ठीक है ना यार, बहुत ज़्यादा एक्टिव हमने, ठीक है ना। और बताओ चलो ठीक है, करो मैं एक मिनट जरा करता हूँ आपको। ऑलराइट बच्चों, here I am, back. चलिए तो फटाफट से आप भी we are back लिख दो। चेक किया ये कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे। नेहा मैम एक काम देके गई थी कि इसको चेक करना, किया कि नहीं? नहीं किया तो अब आप बाद में करना, आप जल्दी से आ जाओ सवालों पे। अच्छा सवाल से पहले यार याद है ये मैं ये आपको करवा रही थी एंड आई हैड टोल्ड यू कि यहाँ से हम कुछ कुछ चीज़ें अब यूज़ करने वाले हैं, राइट? तो आप देखोगे कि अब जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसमें एक रोटेशन का भी है, आपसे कॉन्सेप्ट वो भी डिस्कस करूँगी। अगर ये चीज़ आए तो आप इनको भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, जैसे लाइन ज्वाइनिंग दीज टू एंड ऑल ऑफ दिस। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो पहला सवाल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब नॉर्मल तरीका क्या रहेगा इसको सॉल्व करने का? अगर मुझे कुछ भी याद नहीं है, अगर मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं है तो मैं बोलूँगी यार ये z दे रखा है, व्हाट शुड आई, z को मैंने कुछ भी x प्लस आयोटा वाई मान लिया है ना। तो यहाँ पे मॉड क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई -1, ठीक है जी। इसको अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो आपको मिलने वाला है x² प्लस वाई -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट? अब इफ आई नाउ सिट एंड सिंप्लीफाई दिस विल बी x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, जो 1 भी कट रहा है, x इक्वल टू वाई मिल रहा है, जो मैं यहाँ क्लियरली देखूँ और लाइन ही आ रही है थ्रू जिसकी स्लोप क्या है, y इक्वल टू mx के हिसाब से स्लोप 1 है। अब आपने जितना वक्त इसको करने में लगाया, दिस इज एब्सोल्युटली सही तरीका, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, इट्स 100% करेक्ट। बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ, सो मेरे पास क्या आया है, ये आया है, अरे यार इक्वल टू k था, शिश ये वाला था लाइज ऑन द मॉड जेड इज इक्वल टू 1 अगर आ रहा है, इट इज लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर। मैंने मिक्स कर दिया प्लस वाले को और फिर मैं तभी बोल रही हूँ आंसर ही नहीं आ रहा। ये वाली चीज़ अगर आपकी, हमारा क्या है, मॉड जेड माइनस आयोटा एंड मॉड जेड माइनस 1, अगर दिस इज इक्वल टू 1 देन इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ से सुन लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस। तो ये है आपका 0 1, यानी आपका 1 0। हाँ तभी मैं बोल रही हूँ स्लोप उल्टी क्यों दिखाई दे रही है, यहाँ -1, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो जिसकी स्लोप 1 होगी। तो मतलब वो सब करे बिना आप ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। सॉरी मैं ऊपर वाली लाइन ज्वाइनिंग दीज टू यूज़ करने लग गई थी, मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना था यूज़, गॉट इट? तो आप छोटे तरीके से इससे भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी ऑफकोर्स इट्स योर चॉइस। अगले उस पर आऊँ तो यहाँ पे अगर हम देखें, व्हाट डज दिस क्वेश्चन से नाउ? क्वेश्चन कह रहा है फॉर z बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर इफ द मिनिमम ऑफ दीज टू इज 5√2। अब इसको मैंने ज्योमेट्रिकली क्यों किया है, इसको हमने ज्योमेट्रिकली लेने की कोशिश क्यों की है? इफ आई से अगर मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करूँ तो दिस इज 3√2, यानी ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो 3√2 लेट्स से यहाँ कहीं पे पड़े, दिस इज 1 पॉइंट। दूसरा वो कह रहा है p√2, तो मुझे नहीं पता क्या है बट समहाउ आई कैन पुट समवेयर हियर, इमेजिनरी एक्सिस पे है। तो द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मतलब कि ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, दिस हैज बीन गिवन टू बी 5√2। तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इनका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो इन दोनों के बीच में, ठीक है? आप सबसे पहले सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हो और फिर मिनिमाइज करने के लिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला करके देखो कैसे हुआ। p√2 ये मैं ab अगर बोल दूं तो डिस्टेंस ab का क्या हो जाएगा, रूट ऑफ दिस इज 3√2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 3√2 होल स्क्वायर प्लस p√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2। स्क्वायर कर लूँ यार तो ये आ जाएगा 9 to 18, दिस विल बी p स्क्वायर, तो 2p² इज इक्वल टू 50, सो 2p² इज इक्वल टू, अब 20 होता तो 30 होता, ये 32 है, तो p² इक्वल टू 8, ठीक है जी। p² इक्वल टू 8, एक मिनट प्लस 2 प्लस पी स्क्वायर के साथ 2p स्क्वायर इज 50, 2p स्क्वायर, अरे यार क्या कर रही हूँ, 32 ठीक है, p स्क्वायर इज 16, तो p इज प्लस माइनस 4, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है. इट विल सेटिस्फाई दिस वन, इसके ऊपर लाई करने वाला है, राइट right? अब अगर आप सोचो कैसे, देखो दिस मॉड प्लस दिस मॉड इज इक्वल टू 5√2. अब समझो यहाँ पे लोकस मुझे एक तरीके से फाइंड करना है, तो हमने क्या बोला, एक सर्टेन मॉड प्लस अनदर मॉड इज इक्वल टू सम 5√2. अब मुझे को देखना है कि क्या ये दोनों बराबर है. अगर ये दोनों बराबर हैं सो दैट मीन्स इट विल लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू. तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे देखूँ तो तुम्हारा क्या था, मॉड जेड माइनस 3√2 एंड माइनस p√2 आयोटा. p√2 आयोटा ये यार आपको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस दे रखा है, राइट अब ऑब्वियसली बात है एक डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि बिटवीन सर्टेन टू पॉइंट्स होगा, एक लाइन बन रही होगी. तो हम इसके अंदर एक एजम्पशन मान के चलेंगे कि आपका k इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है, यानी कि जो आपका ये 5√2 है दिस इज इसके मॉड के बराबर, सो p√2 माइनस 3√2, करेक्ट. एंड अब आप मॉड लेते हो, बेसिकली आपने वही काम किया, तो इस लॉजिक से भी चल सकते हो. मैंने बोला ना आप ये शॉर्टकट मेथड लगाओ या फिर अपना दिमाग दूसरी तरीके से दौड़ाओ, द चॉइस इज योर्स. सो आंसर आपका किसी भी तरीके से आ जाएगा. लेट्स लुक एट दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस z आयोटा z, तो मैं अगर ऐसे मान लूँ z आयोटा z एंड z प्लस आयोटा z कहीं यहाँ है, मतलब ऐसे रैंडम कुछ मान लिया मैंने. इसका ट्रायंगल का आपने एरिया निकालना है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस. क्या क्या वर्टेक्स है मेरी, मतलब मैंने आई नो जेड कोई एक्स नहीं है, मैंने एक रैंडम वो दे दिया है जेड आयोटा जेड एंड दिस थिंग, राइट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, एक तरीके से आप देखो तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस स्क्वायर भी हम कह सकते हैं. अब हाफ ऑफ दिस, मैं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या बोल सकती हूँ, हाफ ऑफ स्क्वायर, मतलब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है एक्स वाई एक्सेस है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली हाफ ऑफ दिस स्क्वायर होगा. अच्छा हाफ ऑफ स्क्वायर करने के लिए इसका क्या है, मॉड जेड है, इसका भी क्या है, मॉड जेड है, तो मॉड जेड स्क्वायर कर लूँगी मैं, हाफ मॉड जेड स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर आ रहा है और कुछ नहीं करना. जैसे इन जनरल फिगर आप ऐसे बना सकते हो. ओके ऑल राइट. फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज दिस एंड मॉड जेड इक्वल टू 2. तो क्या सेटिस्फाई होगा आपका यहाँ पे, चलो मॉड z इज दिस, यानी कि मॉड z माइनस 3 होल स्क्वायर 4 है, यानी z माइनस 3 इंटू जेड माइनस 3 कॉन्जुगेट इज 4, यानी कि मैं इसको ओपन करूँ तो z माइनस 3 और ये z कॉन्जुगेट माइनस 3, क्योंकि यार रियल चीज़ें तो फिर रियल ही रहती है ना, z z कॉन्जुगेट ये मॉड z स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3z, यह आ जाएगा माइनस 3z है यहाँ z प्लस z कॉन्जुगेट and this is plus 9 is 4. Okay, this is sorted z plus हाँ जी z conjugate बिल्कुल. अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू मेरे पास है, ये मेरे पास है 4 एंड ये चीज़ है, तो आई थिंक ये तो कैंसिल आउट होते हुए मैं दिख रही है, मेरे को मिल रहा है z plus z conjugate is 3 which is right there, which is right there as the option. ठीक है जी. लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. एक मिक्स सा सवाल है. क्या कह रहा है, सच दैट z1 कॉन्जुगेट इज आयोटा टाइम्स z2 कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट ये दे रखी है, तो अगर मैं इसका भी कॉन्जुगेट ले लूं तो दिस इज माइनस आयोटा z2 है ना. अब यहाँ पे मुझे क्या आर्ग्यूमेंट दी हुई है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू पाई. ठीक है जी, मैं z1 की जगह ये चीज डाल सकती हूँ, मतलब टोटली माई कॉल. हाँ, और इनफैक्ट मैं यहाँ पे z1 जब आपका Z1 जो आपका माइनस आयोटा Z2 आ गया है, यस आई कैन एब्सोल्यूटली पुट दिस, या फिर आप ये भी वेट कर सकते हो, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की जगह आप डाल रहे हो माइनस आयोटा Z2 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, यस, एंड इसके अंदर नाउ आई कैन राइट दिस हैज बीन गिवन एज पाई, तो वो लॉग जैसी प्रॉपर्टी जो होती है ना, जिसमें आप ऐसे करते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कॉन्जुगेट इज गिवन टू बी पाई. अच्छा, एक चीज हमें समझनी है, मान लो लेट माई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बी थीटा, करेक्ट, लेट माई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बी थीटा. पहले तो आयोटा जो होता है यानी कि 0 + 1 आयोटा, इसकी आर्ग्यूमेंट यार π/2 होती है, तो वो इस हिसाब से माइनस π/2 आ जाएगी. ओके, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है वो आपने थीटा मानी है, परफेक्ट. अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कॉन्जुगेट जो होती है वो उसके नेगेटिव आती है, क्योंकि आप डायरेक्शन आपकी ऑपोजिट हो गई, तो माइनस ऑफ माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू पाई आ रही है. ये आई थिंक ये हमको समझ में आ रही है चीज. सो 2θ 3π/2 आ रहा है, यानी कि थीटा आ रहा है 3π/4, करेक्ट. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 तुम्हारी 3π/4 आ रही है, जो यहाँ पे बाय द वे अभी तक हमको कोई ऑप्शन दिखा नहीं है, नेगेटिव नहीं आ रही, ये नहीं आ रही. अब इन दोनों ऑप्शंस में रह गया, तो यार अब देख लो Z1 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या हो जाएगी, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है 3π/4. तो ये क्या दे देगा मुझे, माइनस π/2 एंड प्लस 3π/4. बहुत सही. सो 3π - 2π/4, सो π/4, दिस इज द आंसर. या यार क्वेश्चंस तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे हैं जो आपसे अब बाकी क्वेश्चन बैंक में शेयर हो जाएंगे. ओके, ये हम लोगों का शेड्यूल चल रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि अगले 12 दिनों में हम टारगेट कर रहे हैं 12 सवाल. सो क्वेश्चंस आर मोर एंड मोर, जो आप और भी प्रैक्टिस करना चाहो तो जाकर डेफिनेटली कर सकते हैं. कहाँ, tinyurl.com/JU with Neha Ma'am में जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जाते हो तो टारगेटेड फोकस्ड पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2022, 21, 20 उस हिसाब से मिल जाते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. तो इसके साथ साथ यार ये भी डन हो चुका है. आई एम गोइंग टू सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बहुत मेहनत लगती है ये काम करने में. PDF भी आपका लग जाएगा, बट आई वांट टू सी सम स्पाइक इन द नंबर ऑफ लाइक्स. एंड इसके साथ लेट्स रैप इट अप. एक चीज़ यार ज़रूर बोलूँगी कि आपको अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और एक कमेंट ज़रूर छोड़ा करो, बिकॉज आई टोटली बिलीव इन हार्ड वर्क, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ईच वन ऑफ यू. एंड मोटिवेशन की तो लाइफ में सबको ज़रूरत है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई नीड एज वेल. सो ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय. ओके, एंड लेकिन 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 गाइज इसको चेक करना मत भूलना, जो आपकी JEE ब्लास्टर सीरीज है जो पूरी की पूरी इसके अंदर भी अवेलेबल है, राइट ऑन द टॉप. बाय.